गुजराती में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश या फिर हिंदी, क्या करें हिंदी। ओके सो विल स्टार्ट इन हिंदी। आई थिंक सम ऑफ यू आर इन द जैसे डोंट नो हिंदी कुछ नहीं होता सर। ओके सो बेसिकली मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओके अच्छा इंट्रोडक्शन मैं बाद में देता हूँ। स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए कौन प्रिपरेशन कर रहा है? जीपीएससी नहीं देने वाले हो? सो मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया था 2013 में इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। उसके बाद सोचा कि मतलब उसके बाद 4 साल मैंने जॉब किया, 4 साल ये ईडी एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके आती है कल्याण के पास, सो वहाँ पर मैंने 4 साल काम किया। उसके बाद सोचा कि भाई चलो थोड़ा लाइफ में थोड़ा तूफान ही करते हैं, थोड़ा सोचा कि मैं चलो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं। सो सिविल सर्विस के लिए मैंने ड्रॉप लिया, 2018 से स्टार्ट किया। आई थिंक दैट वाज जनवरी एज फर्स्ट कुछ था। सो 2018 से स्टार्ट किया, देन थोड़ा ब्रीफ में वो जर्नी डिस्कस करता हूँ क्योंकि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा माहौल ऐसा होता है कि भाई करना तो यूपीएससी है, ठीक है यूपीएससी तो वो सब नहीं करना है, कोई बात नहीं करता है, वो माहौल में होते वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट ये 4 साल हो गए थे। तो रिसेंटली जो अभी ये रिजल्ट आया फिर उसमें मेरा 89 रैंक था। सो बेसिकली मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज भी हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट में कहाँ पे क्या फोकस करना है, प्रीलिम्स में क्या ध्यान रखना है। इवन रिसेंटली मैंने ये यूपीएससी मेंस दिया था, यूपीएससी मेंस 2020 वाला, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ था। तो अभी वो मार्क्सशीट आएगी तब पता चलेगा कि कहाँ पे मार्क्स कम थे। एंड माय ऑप्शनल इज फिलोसॉफी, तो मैंने फिलोसॉफी ऑप्शनल लिया है। तो उस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल अगर बीबीएससी में आपको तो ऑप्शनल कौन सा रखता है, उसमें भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन ये जो जीपीएससी जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई थी उसमें जो मेरे मार्क्स थे, ठीक है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट जो मैं लास्ट भी मेरा इंटरव्यू था बट 1.25 मार्क्स रह गया था, इस बार हो गया। सो लास्ट में थोड़े इस सब्जेक्ट में मेरे ज्यादा थे, इस बार वो कम हो गए, तो कहाँ पे कम हुए और कहाँ पे बढ़े उस पर भी थोड़ा हम फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं 2018 जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, ठीक है। सो जनरली बेसिकली हमें ये रहता है कि यूपीएससी ही करना है, जीपीएससी नहीं करना है। तो मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसा होगे जो ऐसा सोचते होगे, ठीक है। सो मेरा यही रहेगा मतलब आपको सजेशन कि जीपीएससी को भी ऐसे लाइटली मत नहीं लेना है, ठीक है। जैसे हमने लिया था 2017 में जब था तब हमने सोचा था कि ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट यूपीएससी ही करना है। बट बेसिकली द टफनेस और यू कैन से द लेवल ऑफ यूपीएससी इज वेरी हाई। ओके सो कई बार क्या होता है कि ये जर्नी आपकी शायद थोड़ी लंबी भी हो जाए। ओके मतलब फर्स्ट ट्रायल में जो क्लियर करते हैं उनका प्रिपरेशन लेवल भी आई थिंक कॉलेज से स्टार्ट हो जाता है, या फिर उनको ऐसी डायरेक्शन मिल जाती है कि जो हमें नहीं मिल पाती है। ओके सो ऐसा दिमाग में मत रखना कि जीपीएससी नहीं देना है, यूपीएससी देना है। ओके रखो कोई बात नहीं है, बट इसका भी थोड़ा प्रिपरेशन रखना। ओके देन चलो क्वेश्चन कुछ हो तो पूछो ऐसे, मतलब वरना फिर मैं बोलते जाऊंगा थोड़ा, तो आप भी बताओ कि क्या। अच्छा ओके सी हाँ दैट इज यू कैन से आपका क्वेश्चन अच्छा है कि मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर हम करते हैं और जीपीएससी की प्रिपरेशन जो होती है उसमें से चेंजेस क्या होता है। बेसिकली जो बोल सके कि गुजरात की जो हिस्ट्री कल्चर, ठीक है, इवन जो क्वेश्चन भी आते हैं वो डिफरेंट आते हैं। इनिशियल जो 2017 में हुई थी, इवन 2018 में जो हुई थी, उस टाइम पे ऐसा था कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो जीपीएससी आप आराम से कर सकते थे। बट अभी थोड़ा ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे चेंज आते हैं, गुजरात की हिस्ट्री, गुजरात का कल्चर, ठीक है। वो बेसिकली अभी ऐसा है कि जीपीएससी ऐसा भी फोकस रखती है कि ऐसा ना हो कि जो स्पेसिफिकली जीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा नुकसान हो। ओके सो ये भी रखना है कि यूपीएससी के साथ साथ अगर मान लो जीपीएससी आप देने वाले हो तो मेंस पर्टिकुलरली जब आए तब फोकस जीपीएससी पे ज्यादा रखो, ठीक है, अगर मेंस देने वाले होते हो जीपीएससी के। ओके उस टाइम पे जनरली क्या होता है कि ये गुजरात हिस्ट्री कल्चर थोड़ा हमें टफ लगता है कि यार ये मतलब क्या कर रहे हैं। ओके बट बेसिकली उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये 20 मतलब जो ये रिजल्ट आया
जो हिस्ट्री का पेपर था GS1 था, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम गुजरात हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, वो आप अगर ऐसे जीपीएससी का नहीं पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यूपीएससी एंड जीपीएससी लेवल में यही है कि गुजरात का थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है। कौन सी बुक रेफर की जाए कल्चर के, अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे इवन गुजरात के जो देखा होगा आपने, ओके सो गुजरात की ज्योग्राफी में जैसे कच्छ का डेजर्ट का आया था क्वेश्चन, ठीक है, वो बेसिकली किसी बुक में कवर नहीं होगा। ओके एंड जो कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आई थिंक क्वेश्चन था मातानी पछेड़ी एंड एक और उसका डिफरेंस का था। ओके सो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे है कि इसका डायरेक्ट आंसर हमें नहीं पता होता है। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो अटेम्प्ट कैसे किया जाए। ओके मान लो जो आउट ऑफ 15 क्वेश्चन हो गए, इवन ये भी जो रिसेंट में मेंस कंडक्ट हुई, आउट ऑफ जो 15 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम मतलब 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए जो हमें पता ही नहीं होता है कि क्या होता है। जैसे मतलब ये था कि मतलब कटाओ काम करके कुछ क्वेश्चन था, देन कोई एक मतलब ऐसे 5-6 क्वेश्चन रहते हैं कि जिन्हें हमें पता नहीं होता है कि इसका आंसर क्या होगा। उस टाइम पे जो जनरल कोई भी क्वेश्चन होता है उसका जनरल आंसर कैसा लिखा जाए उसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो बेसिकली वो आंसर राइटिंग का भी थोड़ा डिस्कस करें, उसमें आपको बताऊंगा कि वो उसका आंसर कैसे लिखना है। ओके देन ये थोड़ा बुक्स रेफरिंग का मैं थोड़ा जाता हूँ उसमें 2000 मतलब जो मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2018 में स्टार्ट किया, उस टाइम पे ऐसा था कि भाई चलो ये बुक रेफर करो ये बुक रेफर करो क्वेश्चन आता है। ओके सो मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट जून में एग्जाम थी, विदाउट रिविजन क्या किया कि मतलब पूरी सारी बुक पढ़ ली, रिविजन कहीं पर इतना फोकस मैंने किया नहीं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिल गया। मतलब बाय 10 मार्क्स मेरा वो प्रीलिम्स में रह गया था, आई थिंक वो कुछ कट ऑफ 98 जैसा था, मेरा 89 था। सो वहाँ पे मिस्टेक क्या थी, मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मैंने क्या किया कि भाई चलो ये स्पेक्ट्रम पढ़नी है, फिर ये NCERT सारी रेफर करनी है, फिर मतलब तमिलनाडु वाले की भी रेफर करनी होती है, तो हिस्ट्री में इतने सारे सोर्सेस पढ़ दिए, रिवीजन कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली उसका जो नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री के बाद आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ो, उसके बाद क्या होता है कि हिस्ट्री का अगर आप टेस्ट देने जाओगे तो आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़ा था, मुझे तो ये पता ही नहीं है। ओके ऐसा हो जाएगा क्योंकि मतलब एक के बाद एक एक सब्जेक्ट का लेयर आता जाएगा। तो क्या होगा कि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो उसमें भी क्या होगा कि फिर बाद में पता चलेगा कि अच्छा मैंने ऐसा पढ़ा है मुझे याद ही नहीं है। ओके तो रिवीजन पे थोड़ा फोकस रखना है कि रिवीजन कैसे करना है। ओके रिवीजन के लिए आप क्या करते हो, मतलब कैसे रिवीजन आप प्लान करते हो ना, कैसे करते हो? यस अच्छा ओके मतलब कोई भी एक बुक आप रेफर कर रहे हो कि क्वेश्चन आंसर। सी बेसिकली मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, आप जो NCERT सबसे पहले आप NCERT करते हो कि नहीं करते हो? अभी मैं थोड़ा UPSC में जा रहा हूँ, फिर बाद में आपको थोड़ा GPSC का बताता हूँ। NCERT आप रेफर करते हो? NCERT सारी की कि नहीं की? सी मतलब NCERT में आपको क्यों बोल रहा हूँ कि NCERT में से क्वेश्चन आते हैं। इवन मतलब कई बार आप मतलब अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं स्पेसिफिकली हिस्ट्री देन ज्योग्राफी में NCERT में से क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री में तो स्पेसिफिकली बनते ही है क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया हुआ है कि आउट ऑफ मान लो कि 15 क्वेश्चन जो बनते हैं मिनिमम 9-10 क्वेश्चन आप NCERT से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है मतलब मैं एनालिसिस करता हूँ पेपर आने के बाद कि भाई कहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है 9-10 आप NCERT में से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो NCERT अगर आप पढ़ रहे हो तो NCERT का मतलब जो क्वीज रहती है आप ऑनलाइन सर्च करो या फिर कहीं पर मटेरियल आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि NCERT में से जो चैप्टर्स होते हैं चैप्टर वाइज की आपको क्विज कैसे अटेम्प्ट करनी है, मतलब क्विज आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। तो क्या करो कि आप ये जो आंसर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा पढ़ना था मेरा मिस हो गया। ठीक है मतलब पूरी आप 6-12 खत्म कर दो उसके बाद टेस्ट देना या फिर 6-7-8 जैसे खत्म करते जाओ वैसे टेस्ट देना है
टेस्ट आप दोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि ऐसा पढ़ना था और मेरे से मिस हो गया, ठीक है, वो एक करना है. देन प्रीलिम में दूसरा ये रिवीजन तो मैंने बोला ही, ठीक है, रिवीजन आपको करना ही है. बाद में पर्टिकुलर किसी एक सोर्स को ही रखो, ठीक है. जैसे अभी एक सोर्स को रखने में भी दिक्कत क्या होती है कि कई बार ये यूपीएससी का मतलब जनरली ट्रेंड है कि किसी एक पर्टिकुलर बुक को वो 2-3 साल तक क्वेश्चन उसमें से निकलते हैं, बाद में वो बुक चेंज हो जाती है. जैसे हम जैसे हमारे टाइम मतलब लास्ट 2-3 ईयर्स में ऐसा था कि स्पेक्ट्रम में से अभी क्वेश्चन निकलता ही नहीं है. आप अगर बुक पढ़ लिया, मान लो स्पेक्ट्रम पूरा कर दोगे, तो अभी स्पेक्ट्रम में से क्वेश्चन नहीं निकलता है. अभी जैसे वो प्लासी टू पार्टीशन, लास्ट जो अभी प्रीलिम्स हुई थी, प्लासी टू पार्टीशन करके एक बुक थी, उसमें से आई थिंक 3 या 4 डायरेक्ट क्वेश्चन थे. फर्स्ट जो उनका इंडेक्स वाला पेज होता है, इंडेक्स वाले मतलब वो ईयर मतलब कुछ शॉर्ट फॉर्म देते हैं, मतलब शॉर्ट नेम देते हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन थे. सो एक सोर्स रेफर करने में कई बार दिक्कत होती है. सो मिनिमम ऐसे रखो कि कम से कम एक मतलब मान लो कि मॉडर्न इंडिया में आप स्पेक्ट्रम तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, तो प्लस एक और भी बुक आप रख लो, मतलब पढ़ लो, ताकि अगर क्वेश्चन का डाइवर्सिफाइड अगर नेचर आ गया तो आपने अगर कहीं पे पढ़ा होगा तो आप वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो. जनरली एलिमिनेशन टेक्निक ही ज़्यादा काम आती है, क्योंकि आप यूपीएससी जब प्रीलिम दोगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये पढ़ने में नहीं आया है. बट पढ़ने में नहीं आएगा, बट क्या होगा, एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको ज़्यादा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि करेक्ट ऑप्शन कैसे करना है, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर कैसे लाना है. आई थिंक आप मतलब यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निक वाले वीडियो मिलेंगे कि जो जनरली क्या करते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक पे फोकस करते हैं कि मान लो ये नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, फिर मान लो कि ये शायद हो सकता है, ठीक है, फिर बाद में आके चेक करते हैं, अच्छा यही आंसर था. ओके, तो एलिमिनेशन टेक्निक वाला थोड़ा आप देखना. न्यू एनसीईआरटीज अभी तो मतलब ओल्ड में से अभी सी मैंने ओल्ड की मतलब जो आर एस शर्मा वाली, ठीक है, वो सारी पढ़ी थी. बट अभी क्या होता है कि इतना उसमें से नहीं आता है. जैसे मैंने अभी आपको बताने कि प्लासी टू पार्टीशन वाली बुक मैंने नहीं पढ़ी थी, बट क्या है 4 क्वेश्चन उसमें से थे. बट लकीली ऐसा था कि जीपीएससी में जो हम फोकस करते मतलब जीपीएससी का जो मिडियल हिस्ट्री वाला आता है पोर्शन, ओके, तो उसके लिए मिडियल हिस्ट्री किया था, तो उसकी वजह से अटेम्प्ट कर पाए थे. सो बट बेसिकली ऐसा अगर बुक नहीं पढ़ा होता है तो दिक्कत होती है. सो न्यू एनसीईआरटी अभी ओल्ड एनसीईआरटी वाला टाइम गया है. आई थिंक ओल्ड एनसीईआरटी में से क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं. ओके, बट क्या है कि एक बार देखा हो, अगर आपके पास टाइम हो तो ही देखना, ठीक है, मतलब मल्टीपल मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फिर रिवीजन ना हो ऐसा नहीं करना है. रिवीजन हो सके वैसे ही आपको मतलब सोर्सेज पकड़ना है. अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप वो सारी चीजें भूल जाओगे जो आपने पढ़ा होगा. ओके, देन यूपीएससी प्रीलिम का, ठीक है, चलो अभी डिस्कस क्या करो, मैं आपको बोलो मतलब कौन सा टॉपिक पे डिस्कस करना है. मतलब आपको थोड़ा दिक्कत वाला लगता हो कि समझ में नहीं आ रहा है ये वाला. यस, सीसेट का तो मेरा थोड़ा हार्ट अटैक जैसा था. बेसिकली क्या था कि जो मैंने फर्स्ट फिल्म दिया था 2018 में, ओके, तो उसमें मतलब मेरे सीसेट में थे 100 अबव थे. ओके, तो 2019 वाली प्रीलिम्स थी, तो मैंने सोचा कि भाई सीसेट हो जाएगा, कर लेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी. बट उसमें क्या होगा, मेरा प्रीलिम GS1 वाला था वो अबो 100 थे, तो वो मेरा क्लियर हो गया था. बट सीसेट में मेरे थे आई थिंक 60 थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सीसेट की वजह से वो नहीं हुआ. सो ऐसा किसी के साथ ना हो. ओके, मतलब क्या होगा कि सीसेट अगर आप सीसेट की वजह से आप रह जाओगे ना, तो आपको मतलब लगेगा कि आपसे गधा कोई है ही नहीं. मतलब लगेगा कि ये क्या कर दिया, मतलब पूरा साल वो खींच लिया, एक सीसेट के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना था वो नहीं निकाला, और सीसेट की वजह से रह गया. क्योंकि सीसेट का अगर आप पेपर देखोगे तो थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ता जा रहा है. अटेम्प्ट किया है आपने सीसेट? अच्छा, मतलब यूपीएससी किया एनसीसी अभी 20 में? अच्छा, आपने दिया था प्रीलिम. सीसेट में कैसा था? बहुत टफ था. ओके, सो सीसेट का टफनेस लेवल बढ़ता जा रहा है. ओके, सो इसलिए मतलब ये जो वाला अटेम्प्ट था इसमें मैंने सीसेट पे फोकस किया था. सो GS1 तो फिर हो ही जाता है, मतलब एक बार आप ये प्रिपरेशन वाले फेज में होते हो तो सीसेट भी फिर बाद में क्लियर कर दिया था. ओके, सो सीसेट पे थोड़ा फोकस करना है. सीसेट की अभी प्रैक्टिस में ऐसा है कि मतलब जैसे RS मतलब सीसेट में क्या है कि टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो हर बार मतलब यूपीएससी में चेंज होते रहते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले में आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो. ओके,
मैंने क्या किया था, मतलब सी मैंने फेस किया हुआ है सीसेट फेलियर वाला, तो मैंने क्या किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्प्रीहेंशन जो होते हैं, कम्प्रीहेंशन आप मान लो कि 1 घंटे में आपको खत्म करना है, क्योंकि बाद में जो मैथमेटिक्स और वो सारा पोर्शन होगा, ठीक है, उसमें भी आपको फोकस करना है। तो कम्प्रीहेंशन आप ऐसा रखो कि एक या मैक्सिमम मतलब 1.25 आवर्स इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो आप क्या करो, 2013 से जो आ रहा है सीजेट, ओके, उसके सारे कम्प्रीहेंशन आप खुद से एक बार करो, ओके। मान लो 2013 के आपने स्टार्ट किया, ठीक है, सारे कम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करना ट्राई करो, फिर बाद में देख लो कितना टाइम होता है और आपने करेक्ट कितना किया, अटेम्प्ट और करेक्ट का रेशियो देखो, ओके। तो आपको आइडिया आएगा कि अच्छा मेरा मतलब इतना टाइम लगा। फिर आप 2014 ट्राई करो, 2015 ट्राई करो, 16, 17, 18, ओके। सो आपको आइडिया आ जाएगा कि कम्प्रीहेंशन में आपको कितना टाइम लगता है, ओके। और मैथ्स रीजनिंग वाले पोर्शन में ऐसा है कि क्वेश्चन टॉपिक चेंज होता रहता है, एक फिक्स टॉपिक नहीं रहता है। जनरली आप देखो, मान लो HCF LCM का आ गया, मान लो वो आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको आ गया, बाद में जो दूसरे पोर्शन है रीजनिंग में, सॉरी मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन थोड़ा टफ रहता है, तो आप थोड़ा रीजनिंग मतलब टफ इन द सेंस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो ही टफ लगेगा। रीजनिंग एंड कम्प्रीहेंशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि रीजनिंग एंड कम्प्रीहेंशन आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो इजीली, ओके। तो सीसेट पे ये फोकस रखना है कि मैथ्स से ज्यादा आप रीजनिंग एंड कम्प्रीहेंशन पे फोकस करो, अगर आपका मैथ्स वीक है तो। अगर आपको लग रहा है कि मतलब अच्छा इंजीनियर कौन कौन है, अच्छा बाकी सब क्या, कॉमर्स, अच्छा कॉमर्स वालों का मैथ्स अच्छा है, या फिर हमारे जैसे इंजीनियरिंग वालों का इंजीनियरिंग होता है वैसे कॉमर्स वालों का कॉमर्स, ओके। सो मैथमेटिक्स से ज्यादा थोड़ा रीजनिंग कम्प्रीहेंशन पे फोकस रखना, ओके। देन यूपीएससी प्रीलिम में और कुछ पूछना है आपको? चैलेंजेस में बड़ा ऐसा है कि आप अभी जॉब वॉब तो कुछ करते हो कि नहीं? कॉलेज लास्ट ईयर, अच्छा मतलब नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन हो रहा है कि इसी ईयर ग्रेजुएशन हो रहा है? नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन हो रहा है, तो मतलब अच्छा है आपने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया है, गुड। चैलेंजेस में तो अभी ऐसा है कि आप खत्म करोगे, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को मैक्सिमम रिवाइज करो। चैलेंजेस में ऐसा है कि मेरा जो चैलेंजेस था कि मैंने रिविजन नहीं किया था, मतलब चैलेंजेस वो नहीं था बट वो मेरी मिस्टेक थी। चैलेंजेस ऐसा कुछ होता नहीं है, चैलेंजेस में आप क्या वो सब्जेक्ट पढ़ना ही है, हिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कोई मतलब जो IIT JEE वाला एग्जाम है नहीं कि मतलब ये सॉल्व नहीं हो रहा था। इसमें क्या है कि हमें थोड़ा पढ़ना होता है, उसके बाद रिविजन करना होता है। आपके आपको जो सबसे ज्यादा चैलेंज फेस होगा कि आप रिविजन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जनरली हमारे ये मेंटालिटी रहते हैं कि हम क्या करते हैं, मान लो पढ़ लिया उसके बाद यार छोड़ो ना इसको कौन रिवाइज करे, बाद में रिवाइज करेंगे, ठीक है, हम नया सब्जेक्ट पकड़ते हैं, फिर बाद में नया सब्जेक्ट किया छोड़ो ना इसको रिवाइज नहीं करना है, बाद में करते हैं। सो एक शेड्यूल बनाओ कि रिविजन आप कैसे करोगे, क्योंकि मतलब इवन स्टिल वही फेस होता है सबको कि रिविजन नहीं हो पाता है। सो रिविजन पे आप कैसे फोकस करते हो वो आपके मतलब क्या बोलते हैं मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मान लो 1-2 महीना बचा है, ओके, तो 1-2 महीने में फिर सोचोगे कि रिवीजन ठीक है चलो ये तो मुझे यादें करते जाएंगे रिवीजन बाद में हो जाएगा, बट अल्टीमेटली वो रिवीजन नहीं होगा, ओके। तो रिवीजन पे थोड़ा फोकस करो कि रिवीजन कैसे किया जाए, ओके। साइंस एंड टेक में ऐसा है कि क्वेश्चन जनरली जो बनते हैं आपने देखा होगा कि वो ऑप्शन डी मतलब जनरली मार्केट में थोड़ा ज्यादा रहता है कि ऑल ऑफ द अबव वाला रहता है, ओके। बट साइंस एंड टेक में ऐसा है कि जो करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, अभी आप कोई साइंस की जो NCERT भी रेफर करने की इतना, क्योंकि NCERT में से जो मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम है, NCERT अगर आप रेफर करोगे तो उसमें से मुश्किल से एक भी क्वेश्चन अभी तो नहीं निकलता है। अभी क्या होता है कि करंट पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। सो लेट्स से कि मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या है। जैसे इस बार के क्वेश्चन में ऐसा था कि सॉन्ग बनाने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, तो अभी ये सब चीजें क्या है आपको कहीं पे पढ़ने में नहीं आएगी, बट क्या है थोड़ा आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। बाद में जो टफ थोड़ा पोर्शन रहता है वो बायोलॉजी वाला पोर्शन थोड़ा टफ रहता है, कि जो वहाँ पे
आरएनए डीएनए वाला जो पोर्शन रहता है, क्योंकि अभी जीन एडिटिंग का थोड़ा ज्यादा है. ओके, सो जीन एडिटिंग में से क्वेश्चन निकलते हैं. आप अगर पेपर निकाल के देखोगे तो 2018 में भी था, 19 में भी है, 20 में भी था. ओके, सो यू कैन से कि वो पोर्शन पे आप थोड़ा फोकस करना कि वो वाले पोर्शन पे कैसे कवर किया जाए. बाकी जो टेक मतलब मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी है, वो नई टेक्नोलॉजी पे आप थोड़ा देख करो. जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ओके, एंड डिफेंस स्पेस, उसमें से एक एक क्वेश्चन निकलता ही है. उसमें से भी ऐसा है कि ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए. और वहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एलिमिनेशन टेक्निक वाला थोड़ा फोकस करना होता है कि जैसे मान लो कि मिसाइल का वेट आपको दे दिया 10,000 kg. वो पॉसिबली सॉरी वो पॉसिबली नहीं होता कि भाई इतना सॉरी 10,000 kg मतलब 10,000 टन ऐसा कुछ दे दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि इतना वेट उसका हो. ओके, सो ऐसे थोड़ा एलिमिनेशन पे देखना है. और आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. साइंस एंड टेक में देखो जनरली क्या था कि 2018 एंड 2019 में मोस्ट ऑफ द ऑप्शन वाज डी, ऑल ऑफ द अबव वाला था. ओके, तो इस बार और क्या था कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है उसके रिगार्डिंग था. तो अभी यूपीएससी इस बार से क्या किया कि करंट में क्या है, अगर आप 2020 का पेपर देखा होगा तो उसमें ऐसा देखा था कि करंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या ये सही है. ओके, तो अभी वो भी थोड़ा चेंज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा. देन साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रखो एंड यूज एक्सटेंसिवली विकिपीडिया. कोई भी टॉपिक अगर देख रहे हो तो विकिपीडिया पे एक बार सर्च कर लो, ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो होम रूल लीग आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो होम रूल लीग को जस्ट एक बार सर्च कर दो कि होम रूल लीग विकिपीडिया पे क्या है. क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मतलब जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर बनता है उसके जो ऑप्शंस होते हैं, कई बार वो विकिपीडिया की डायरेक्ट लाइन आपको मिल जाएगी. जैसे होम रूल लीग है, होम रूल लीग का कुछ दूसरा नाम था, वो नाम चेंज करके वो किया था. अभी वो ऑप्शन वो आपको ना तो स्पेक्ट्रम में मिलेगा, ना तो एनसीईआरटी में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा. आप जस्ट सर्च करो होम रूल लीग विकिपीडिया में तो आपको मिल जाएगा, अच्छा ये तो इधर ही दिया हुआ था. ओके, सो विकिपीडिया या फिर गूगल सर्च का आप एक्सटेंसिवली यूज करोगे तो फायदा क्या होगा कि आपकी रीडिंग थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी. यू विल नॉट बी लिमिटेड टू द जो सोर्सेस है उसके तक आप लिमिट नहीं रहेगी, एंड आपको भी थोड़ा मजा आएगा कि अच्छा ऐसा भी है. ओके, एंड इवन जो मतलब जो आप सारी बुक पढ़ने वाले हो बाकी सारे भी वही बुक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उनसे हमें थोड़ा प्लस रहना है तो क्या करना है, और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा. ओके, उसके लिए आप ये विकिपीडिया ऐसा कुछ सोर्स रेफर कर सकते हो गूगल सर्च में. ओके, बट उसमें थोड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि मोबाइल पास में होता है तो और कुछ भी सर्च हो जाता है. ओके, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल रख के फिर करना है. ओके, यस यस बेसिकली वो अभी तो अभी जीपीएससी मेंस का थोड़ा देख लेते हैं. ओके, जीपीएससी मेंस का मतलब क्या था क्या नहीं था. ओके, इन ऐसे आई थिंक आई एम हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब जो मैंने देखा है टॉपर्स की सीट देखी थी उसमें ऐसे के थोड़े कम थे, ऐसे में मेरे थोड़े ज्यादा है, तो ऐसे के बारे में मैं आपको बताऊंगा. एंड गुजराती में मेरे लास्ट टाइम थोड़े ज्यादा थे, इस बार कम हो गए, तो गुजराती में भी मैंने मिस्टेक कर दिया. ओके, सो गुजराती में मेरे लास्ट टाइम था वो 73 था. ओके, इस बार स्कोर हो गया 59. ओके, सो उसमें मैंने क्या कर दिया कि जीपीएससी मेंस का डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, सबको सही. ओके, सो सी गुजराती में मैंने जो फर्स्ट टाइम था तो मैंने सोचा कि लैंग्वेज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि लैंग्वेज में मार्क्स हम खींच सकते हैं. ओके, तो मैंने जैसे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मान लो कि जैसे गुजरात के बारे में लिखना है तो जैसे वैविध्यपूर्ण वारसो. ओके, जैसे हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो वर्ड्स का भी इफेक्ट इम्पैक्ट रहता है जो भी वर्ड यूज करते हैं. तो मैंने क्या किया था कि जितने भी क्वेश्चन है उसका मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा था कि अगर ऐसा आता है तो मुझे ऐसा लिखना है. जैसे संवाद आता है. ओके, संवाद दोनों के बीच में करना होता है तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था कि मान लो कोई भी दो बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसे वर्ड्स आने चाहिए. ओके, तो मैंने एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया था तो थोड़ा अच्छा स्कोर था. बट इस बार क्या वो थोड़ा आ जाता है कि भाई चलो देख लेंगे, गुजराती लैंग्वेज है तो कर लेंगे. ओके, बट फिर बाद में वो मार्क्स पे रिफ्लेक्ट हो जाता है. इवन थोड़ा इस बार गुजराती का थोड़ा टफ चेकिंग भी है, बट स्टिल कि भाई किसी के 70+ भी है. ओके, तो उस पर मतलब ऐसा है कि लैंग्वेज पे आप थोड़ा फोकस करो.
आप अगर चाहो तो सारे फॉर्मेट्स को आप ऑलरेडी मतलब आंसर बना के रख सकते हो, वो चाहे पत्र लेखन हो या फिर संवाद हो या फिर अहवाल लेखन हो, कुछ भी हो आप ऑलरेडी आंसर बना के रख सकते हो। सिर्फ उसमें आपको वहां पे जो फॉर्मेट दिया, वहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करके वही आपको आंसर लिखना होता है। जैसे अहवाल लेखन में आप अपना कुछ एनजीओ डालना है, जैसे गरवी गुजरात एनजीओ है, ठीक है, हम वहां पे गए, फिर जो कुछ वर्ड्स आपको यूज करने, वो आप ऑलरेडी आपको फॉर्मेट बना के रखो। ओके, तो आप एक ऐसा काम करो कि मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसका एक आंसर बना के रखो कि मुझे ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं। ओके, ताकि क्या हो, एग्जाम टाइम पे वो याद ना करना पड़ेगी, अच्छा ऐसा लिखो ऐसा लिखो। एक अगर आपके दिमाग में आपने वो किया हुआ है तो वो आप आराम से लिखते जाओगे। ओके, क्योंकि गुजराती में क्या होता है कि आप जितने भी पेपर देगो, जितने भी पेपर दोगे उसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम का कंस्टेंट रहेगा गुजराती के पेपर में, क्योंकि गुजराती का लैंग्वेज का पेपर थोड़ा लेंदी आता है। ओके, और हम थोड़ा लिखने में भी टाइम ले लेते हैं, सो टाइम कंस्टेंट गुजराती वाले पेपर में आएगा। तो आप ऐसा बना के रखो कि जो भी आता है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सको। ओके, सो दिस वाज अबाउट गुजराती एंड इंग्लिश। इंग्लिश में मेरा था लास्ट, फर्स्ट में 68 था, इस बार मेरा है 81। ओके, सो इंग्लिश में बेसिकली फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था कि भाई चलो यार, स्कूल से इंग्लिश मीडियम था, मतलब मेरा नवोदय में स्कूलिंग था, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय। सो नवोदय में से स्कूलिंग था तो फिर सोचा कि इंग्लिश तो कर लेते, कोई इश्यू नहीं आएगा। ओके, बट फिर वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। आप किसी भी पेपर की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा। ओके, सो इंग्लिश का मैंने इस बार प्रैक्टिस किया था कि भाई लास्ट टाइम जैसे मिस्टेक नहीं करनी होगी, तो इसमें थोड़ा मैंने स्कोर कर दिया था। देन इंग्लिश में क्या है कि आपको टाइम पूरा रहेगा, मतलब आराम से आप लिख सकते हो। अच्छा, मतलब इंग्लिश में दिक्कत आती है ऐसे कोई नहीं, मतलब इंग्लिश में मतलब आपको पर्टिकुलरली आप इश्यू फेस करते हो? नहीं, मतलब क्या होता है कि मैंने देखा है कि मतलब गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इश्यू वही रहता है कि आप इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश वालों को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट रहता है वैसा सब। कोई है गुजराती मीडियम में पूरा पढ़ा हुआ साहब बेटा? ओके, गुजराती मीडियम में से। अच्छा, इंग्लिश का पेपर आपने ट्राई किया हुआ? अच्छा, कॉलेज इंग्लिश? नहीं, कॉलेज तो इंग्लिश में ही होता है, बट वो वाला और यहाँ पे लिखने वाले में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ओके, सो कॉलेज इंग्लिश में था। ओके, गुड, बट ये थोड़ा प्रैक्टिस करना अगर गुजराती मीडियम वालों हो तो, क्योंकि मतलब मेरे फ्रेंड्स भी है जो कई है जो गुजराती मीडियम से थे तो उनका इंग्लिश में इश्यू रहता है। मतलब मेरा एक फ्रेंड था जो ये मतलब 2019 वाली, उसमें इंग्लिश में 47 थे और उसका जो डेप्यूटी कलेक्टर वाली पोस्ट में रह गया था वो 20 मार्क्स से रह गया था। तो आप समझ लो कि 47 थे और उस टाइम पे 80+ बहुत सारे थे, सो 47 से अगर 70 भी हो जाता तो डीसी हो जाते वो। सो गुजराती मीडियम को दिक्कत आती है। तो अगर नहीं, आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक हो, गुजराती है मतलब लैंग्वेज में गुजराती लिखे वीक हो तो गुजराती प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले हो गए तो उनको गुजराती में दिक्कत होगी, क्योंकि वो जैसे मैंने बोला अभी वैविध्यपूर्ण वारसो और वो सब वर्ड्स ऐसे सोचना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। ठीक है, तो गुजराती अगर आपका नहीं है तो गुजराती पे प्रैक्टिस करो, इंग्लिश आपका नहीं है तो इंग्लिश पे प्रैक्टिस करो। ओके, गुजराती मैं जे गुजराती माटे ने कई बुक छे पब्लिकेशन ने जे आपणे रेफर करीए छे, नाम भूले। हाँ, पाक्षिक तो, हाँ पाक्षिक तो करना ही है सबको, ठीक है, पाक्षिक थोड़ी लैंग्वेज आपकी बिल्डअप होगी, मतलब गुजराती लैंग्वेज के लिए जो कौन सी बुक है वो नाम मैं भूल गया उसका याद, मतलब आप कौन सी बुक रेफर करते हो? हाँ, सी बेसिकली मैं गुजराती माटे जो कर, मैंने गुजराती के लिए जो किया था वो आपको बताता हूँ। गुजराती में ऐसा कि कोई पर्टिकुलर एक बुक आप पकड़ के ऐसे बैठ नहीं सकते हो, इन द सेंस मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर आता है, जो न्यूज़पेपर में मैंने जो फर्स्ट में किया था वो क्या किया था कि न्यूज़पेपर में जो आता है एडिटोरियल, एडिटोरियल को आप मतलब, मैंने मेंस का टाइम था, मैंने आगे नहीं पढ़ा था, बट जब मेंस का टाइम था तो पिछले एडिटोरियल थे, एडिटोरियल सारे मैंने मतलब, मैं तो लैपटॉप यूज करता था तो लैपटॉप में सारे डाउनलोड कर दिए, मान लो कि पिछले एक महीने के एडिटोरियल डाउनलोड कर दिए। बाद में क्या किया कि रोज एक दो एडिटोरियल में पढ़ता गया। उसके बाद क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज एक बिल्डअप होती जाती है कि भाई अच्छा ऐसा लिखना है या ऐसे वर्ड यूज करने हैं।
अगर आपको कोई वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लो, ओके? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब गुजराती लैंग्वेज वाला टाइम कंस्टेंट वाला पेपर होगा तो आप उस टाइम पे ऐसे वर्ड्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे, बट अगर आपने कहीं पे लिखा होगा, ऐसा किया होगा, तो आपको वो याद आ जाएंगे, तो आप वहां पे लिखोगे तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्क्स में दिखेगा ही, ओके? सो एडिटोरियल आप पढ़ो, चाहे वो दिव्य भास्कर का हो, गुजरात समाचार का हो, ठीक है, संदेश का हो, एडिटोरियल आप पढ़ो, और जो कोई भी एक बुक है उसमें से आप पढ़ते जाओ कि मतलब अच्छा लैंग्वेज, मतलब वही होता है कि वर्ड्स बिल्डिंग अप, मतलब जो वर्ड्स है कि कैसे वर्ड्स यूज करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। इस बार है एक स्टूडेंट जिसके गुजराती में 30 मार्क्स थे, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ है। सो आपको गुजराती में अगर ऐसा इश्यू है तो गुजराती पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। आपने कभी मतलब गुजराती बोल सकते हो? Not that fluently, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें अभी इसका ऐसे कि इसका कोई हल नहीं है, मतलब इसको आप प्रैक्टिस करो, पेपर लिखते जाओ। सबसे बात कर रहे हो तो गुजराती में बात करवाने, गुजराती में बात कर सो तो वैसे क्यों आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस आवतो जैसे, बराबर से, तो वैसे क्यों तो शब्द निकल से। सो गुजराती में बात कर, पहले सबसे पहले आप गुजराती में बात करना स्टार्ट कर दो, ओके? फिर आपका थोड़ा वर्ड बिल्डिंग अप होता जाएगा, तो वैसे वैसे आप करते जाओगे। एंड इफ यू आर स्कोरिंग 40+, ठीक है, आप अगर 40+ कर देते हो तो आपको गुजराती में मतलब सिलेक्शन में इतना वो इश्यू नहीं रहेगा। अगर आप 40 से कम जाओगे फिर सिलेक्शन में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, ओके? सेम वे फॉर इंग्लिश, इंग्लिश में भी अगर आप गुजराती में 40 के आसपास रहते हो तो इंग्लिश में आपको 90 के आसपास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे तो जनरली मतलब जो एवरेज स्कोर बनता है दैट इज समवेयर अराउंड 140 के आसपास रहता है। जो भी आप इवन टॉपर के आप देखोगे, मतलब टॉपर इन द सेंस आप जो लिस्ट पूरा बनता है उसमें आप देखोगे तो एवरेज स्कोर रहता है जनरली वो 140 के आसपास रहता है। आइदर गुजराती में 60 होगे तो इंग्लिश में 80 होगे, इंग्लिश में अगर मान लो 90 है तो गुजराती में 50 के आसपास होगे, ऐसा जनरली रहता है। और जो टॉप 10 में होगे उनके ही ऐसा रहता है कि मान लो कि दोनों में 80+ या दोनों में मतलब 75+ है। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन में मतलब अच्छा सीसेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वही मैंने बोला है आपको कि आप क्या करो 2013 का ले लो, ठीक है। सी मतलब आपके पास 7 साल के पेपर है, सॉरी 8 या 8 साल के पेपर है, तो आप क्या करो 2013 का आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो। आपने मान लो आई थिंक 30 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन हो गए, ओके? 30 कॉम्प्रिहेंशन में से आपके कितने करेक्ट हुए, अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशियो देखो। मान लो आपने 30 में से 10 करेक्ट किए, ठीक है, तो आपको पता चला कि अच्छा इसका आंसर ये था, मैंने ये मिस कर दिया, क्योंकि आंसर की अब तो सबकी अवेलेबल है, ठीक है। उसमें आप यूपीएससी की आंसर की देखना, ठीक है, आप ये मिस्टेक मत करना कि किसी इंस्टीट्यूट ने वो आंसर किया, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में सब इंस्टीट्यूट के रॉन्ग होते हैं। आपको यूपीएससी की आंसर की डाउनलोड करनी है, 2013 की आंसर की आप डाउनलोड कर दो, 2013 में आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो। आपका मान लो 30 में से 10 करेक्ट हुआ है, ठीक है, जो मतलब मैंने फिस किया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया था, ओके। बाद में मैंने क्या किया 2014 का अटेम्प्ट किया, तो उसमें मुझे आइडिया लगा कि अच्छा यूपीएससी वाले ऐसा सोच रहे थे, ओके? तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मान लो उसमें जा आपके ज्यादा करेक्ट हो गए। फिर आप 2015, 16, 17, 18, 19, मतलब आप ऑलमोस्ट 200 या 250 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लोगे आप 7 या 8 साल के, तो उसके बाद आई थिंक उसके बाद और कॉम्प्रिहेंशन कहीं से करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के करो, यूपीएससी के आंसर की देखो, तो आपको कहीं से और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके? और आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जैसे आप आई थिंक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होगे, ओके? तो न्यूज़पेपर जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपकी वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बढ़ती जाएगी रीडिंग करने की, ओके? अच्छा सारे तो मैं याद भाई वाह जे मैं फर्स्ट मां मिस्टेक करी थी एनो मैंने याद आई गयू। बेसिकली जब हमारे पास टाइम होता है ना तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 4 मंथ्स का टाइम रहता है, ओके? इवन आगे भी टाइम रहता है, आगे भी जो हम प्रीलिम करते हैं, हमारे पास जब टाइम होता है ना तो हम क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो विजन का मैगजीन भी कर लिया, फिर वर्ल्ड इनबॉक्स भी कर लिया, वर्ल्ड इनबॉक्स के वाले भी क्वेश्चन कर लिया, और भी मान लो अगर आप दृष्टि कर रहे हो तो दृष्टि वाला भी मतलब पूरा करना ट्राई किया, ठीक है। हर जगह से आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे,
तो बेसिकली फिर क्या होगा कि एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट आने वाले होते हैं वो आपका रह जाता है। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट में था, इवन आज भी मुझे वो याद आता है कि वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट था, वो रिसेंट में था, बट आगे का मैंने इतना सारा पढ़ा कि फिर बाद में वो छूट गया था, तो वो मुझे नहीं आया था। तो फिर बाद में जब नहीं हुआ यार, 1 मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, तो मैंने सोचा यार उसमें 6-7 तो आराम से आ जाते तो हो जाता। तो ये क्या होता है कि उसकी वजह से आप वो नहीं कर पाते। तो इस बार जैसे मेरे पास टाइम कंस्टेंट था, मतलब ठीक है व्हाट एवर द रीजन, कि मैं मतलब 1 मंथ जितना ही मेरे पास टाइम था, तो मैंने क्या किया, पिछले 4-5 महीने का ही करंट अफेयर किया। इवन आप मेरे भी अभी नोटिस किया है कि जो 4-5 महीने का होता है उसी में से आप करंट अफेयर्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेंस में पिछले 4-5 महीनों का ही आता है। आप आगे का अगर पढ़ोगे तो वो ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स के टाइम पढ़ लिया होगा, या फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट जो मेन उनका फोकस रहता है, जैसे आईटी रूल्स वाला इस बार क्वेश्चन था, ठीक है, आईटी रूल्स वो 2 महीने पहले की बात थी, देन और भी ऐसे कुछ थे जो 4-5 महीने पहले के टाइम था। तो इस बार मतलब मैंने मेंस को इतना टाइम नहीं था, मेरे पास 1 मंथ जितना ही टाइम था, 1 मंथ से भी कम था। तो मैंने क्या किया, पिछले 4-5 महीने का ही किया। तो इस बार मतलब मुझे ऐसा था कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। ओके, तो उसका मतलब मेन रीजन ये था कि मैंने फोकस किया कि पिछले 4-5 महीने का ही करना है, कि ज्यादा नहीं करना है, आ गया तो फिर जाने दो। ओके, और वो आप अटेम्प्ट कर भी सकते हो, अगर पुराना होगा तो आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा। बट अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होता है उसमें जो सारा करंट अफेयर्स होता है उसी पे आप फोकस करो, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर भी वो फ्रेश क्वेश्चन ही बनाएगा, वो ऐसा नहीं कि 2 साल पहले वाला देख के बनाएगा, वो भी फ्रेश क्वेश्चन देख के बनाएगा। ओके, तो उस पर आप फोकस करो। बेनिफिट थसे तमने आनो थसे। आप प्रैक्टिस करते हो आंसर राइटिंग कोई? अब होता है गुड आंसर राइटिंग, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे बढ़िया वही है। मैंने जैसे बोला कि आउट ऑफ 15, इवन यूपीएससी में मतलब जो मेंस दिया था, ठीक है, मतलब कोई भी अगर होता है, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी तो आप आंसर लिख सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे बोला आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जो जीपीएससी का मेंस रहेगा, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो आपको नहीं पता ही होंगे। ठीक है, मतलब सबके लिए वैसा ही होगा कि यार इसका आंसर क्या आता है। मान लो अगर कोई टॉपर है, टॉप मतलब उनको अगर आ गया है तो ठीक है, क्योंकि मतलब शायद उनको कहीं पढ़ने में आ गया होगा। बाकी हम सब क्या करते हैं, कॉमन सोर्स ही रेफर करते हैं, ऑलमोस्ट सबका कॉमन ही होता है। ठीक है, मान लो विजन, दृष्टि, या फिर मतलब कोई भी हम जो रेफर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वही होता है जो हम सब पढ़ते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ गए जहाँ पे आपको आंसर नहीं पता है, तो आंसर कैसे लिखना है वो आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी तो आपको मतलब इफेक्टिवली आप लिख सकते हो। प्लस क्या होगा, आंसर राइटिंग आप अगर करोगे तो क्या होता है, आप मतलब जल्दी आपको वो याद रह जाएगा। जैसे मुझे याद, मान लो कि मैंने कोई क्वेश्चन लिखा था, मेंस में आंसर लिखा था, तो मुझे आइडिया रहता है कि अच्छा मैंने ऐसा आंसर लिखा था। आप पढ़ोगे और लिखोगे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि पढ़ने में क्या होता है कि हम थोड़ा पढ़ते ही जाते हैं। अगर मानो लिखा तो वहां पे हमने थोड़ा ब्रेन भी हमारा यूटिलाइज होता है कि अच्छा ऐसा लिखना है। ओके, तो अगर आप लिखोगे तो आपको वो जल्दी से याद रहेगा। और कुछ उसमें? हाँ ऐसे। ओके गुड। ऐसे में मेरे इस बार आई थिंक 72.75 ऐसा कुछ है। ओके, मतलब बहुत सारे इससे मतलब कम है, मैंने आई थिंक 1 या 2 के ही मैंने ज्यादा देखे इससे। ऐसे में मैंने क्या किया था इस बार, ऐसे में जनरली आप टॉपर की आंसर शीट रेफर करते हो, जीपीएससी में तो मिल जाते हैं, यूपीएससी में हमें नहीं मिलती, यूपीएससी वाला सीक्रेट, उनका पता नहीं क्या मार्किंग स्कीम रहता है, बट जीपीएससी में हमें मिल जाता है। तो जीपीएससी में अगर मतलब मैंने नोटिस किया था, आप मैक्सिमम पॉइंट्स अगर आप लिखते हो ना तो आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं। जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था, जैसे सॉफ्ट पावर वाला था, ठीक है, सॉफ्ट पावर वाला ऐसे था, तो मैंने ऐसे को 8 पेजेस आपके रहते हैं जनरली।
8 पेजेस रहते हैं, तो मैंने डिवाइड कर लिया था। मुझे सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ये डिस्कस करना है कि जैसे रिसेंट में ऐसा था कि ब्रांड फाइनेंस करके यूनाइटेड किंगडम में एनजीओ था, उसने उसका जो सॉफ्ट पावर इंडेक्स था उसमें इंडिया का रैंक 27 आया था। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे उसका पता था। आपको अगर मान लो कुछ भी ऐसा अगर आता है, आपको पता है, तो सबसे पहले थोड़ा फैक्चुअल डिटेल से वहां से स्टार्ट कर दो। उसके बाद मैंने ऐसा व्हाट इज सॉफ्ट पावर उस पर एक पेज मैंने लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज सॉफ्ट पावर, मतलब पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था कि इतने पेज में मुझे ये लिखना है। आप अगर कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर कर रहे हो तो आपके पास 8 पेजेस से ज्यादा नहीं होंगे, तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन से पेज पे मुझे क्या लिखना है। ओके, सो मान लो फर्स्ट पेज में मैंने पूरा ये डिस्कस कर लिया कि सॉफ्ट पावर क्या होता है, सॉफ्ट पावर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बाकी के सारे जो वर्ल्ड के कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पास सॉफ्ट पावर क्या है, चाइना है, चाइना का सॉफ्ट पावर क्या है, ठीक है, वो डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद आप मान लो कि 2 पेजेस ऐसे कर दो कि इंडिया का सॉफ्ट पावर क्या है। इंडिया का सॉफ्ट पावर में क्या क्या आ सकता है? बॉलीवुड, ओके, और कुछ मतलब सॉफ्ट टीवी सीरियल्स, ओके, टीवी सीरियल्स अफगानिस्तान में एक जगह पे ऐसा हुआ था कि अगर आपको याद हो क्योंकि शादी कभी हो गई, अच्छा, लैंग्वेज में आता था, एक शादी बीच में रुक गई थी उसके एपिसोड आगे का, अच्छा, ओके, गुड, ओके, ऐसा इवेंट्स अगर याद हो तो अच्छा है। ओके, और कुछ सॉफ्ट पावर में क्या आएगा इंडिया के? फूड, यस, डेफिनेटली इंडियन क्यूशन इज फेमस इन वर्ल्ड। ठीक है, हर जगह पे फेमस है क्योंकि ये स्पाइसेस लेने के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। ओके, इंडियन क्यूशन, देन उसके बाद फेस्टिवल्स, वेरी गुड, ओके, फेस्टिवल्स आर द, यू कैन से, हॉलमार्क ऑफ इंडियन इंडियन कल्चर। ओके, देन नहीं, मैं सॉफ्ट पावर की बात कर रहा हूँ। सॉफ्ट पावर में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? हार्ड पावर क्या होता है, सॉफ्ट पावर क्या, हार्ड पावर क्या होता है? हार्ड पावर मिलिट्री, ओके, हार्ड पावर इज मिलिट्री, मतलब आप किसी को थप्पड़, मान लो कि आपको किसी को चेंज करना है, जैसे मुझे आपको चेंज करना है, तो मैं आपको, अगर मेरा पावर ज्यादा होगा तो मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगा या फिर गन दिखाऊंगा कि आपको ये नहीं करना है। ओके, सॉफ्ट पावर होगा तो मेरा, मैं क्या करूंगा कि आपको, मतलब मेरी जो लाइफ स्टाइल है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे आप इम्प्रेस हो जाओगे, एंड देन यू विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट। ओके, सो वो होता है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर में तो जैसे सॉफ्ट पावर में हमने जैसे भी बोला कि क्रिकेट आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, क्रिकेट है, योगा, ओके, दिस आर द, यू कैन से, सॉफ्ट पावर, इंडिया का ये सारा सॉफ्ट पावर था। ठीक है, तो वहाँ पे 2 पेज भरना है। ओके, 2 पेज भरना है, उसमें ऐसा, मतलब मैंने ऐसे डिसाइड किया था, मतलब मैंने पहले आंसर शीट सबकी एनालिसिस की थी कि जिनको ज्यादा मार्क्स आए थे, कि एक में ही मतलब मिनिमम 4 पैराग्राफ बनने चाहिए, मतलब मिनिमम 4 पॉइंट्स आ जाने चाहिए। आप जो मेंस में आंसर लिखते हो 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे में आपको 3-4 पैराग्राफ बनाने हैं। ओके, जो शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ हो गए जिसमें आप लिख सकते हो, जैसे 2 पेज होते हैं, 2 पेज में मैंने डिसाइड कर लिया कि इंडिया के ये 10 सॉफ्ट पावर है। ठीक है, मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि 10 सॉफ्ट पावर है, फिर इसको मैंने 5-5 पैराग्राफ बना के 2 पेज पे लिख दिया कि ये सॉफ्ट पावर है। फिर उसके बाद जो बाद में 2 पेज बचेंगे, ओके, उसका एडवांटेज क्या था, सॉफ्ट पावर की वजह से इंडिया को एडवांटेज क्या हुआ। ओके, जैसे जो यूएस जो न्यूक्लियर डील हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में 2007 में, दैट वॉज ड्यू टू द, यू कैन से, जो हमारा डायस्पोरा था यूएस में, उसकी वजह से हुई थी, वो डिटेल आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके 2 पेज में आप ऐसा लिखोगे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हुआ है इंडिया को सॉफ्ट पावर की वजह से। ठीक है, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ, मतलब जो उसके बाद डिसाइड करना है आपको, ऐसा लिखना है कि इंडिया, मतलब सॉफ्ट पावर कहाँ पे काम नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे मान लो कि हर जगह पे होता है कि हर जगह पे सॉफ्ट पावर से आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे गन दिखानी पड़ती है वहां पे दिखानी पड़ती है। सो हार्ड पावर इंडिया के पास नहीं है, उसका रीजन क्या है, उसकी वजह से जो सॉफ्ट पावर से हमारा जो कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है, उसके 2 पेजेस आप लिख दो। ठीक है, बाद में कंक्लूजन कर दो कि इंडिया को अभी सॉफ्ट पावर के साथ साथ जो हार्ड पावर इंप्रूव कैसे करना है। ठीक है, वो सारी डिटेल आप मेंशन करो। तो ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर कर दो कि 8 पेजेस है, 8 पेजेस में मुझे कहाँ पे क्या लिखना है, आप पहले से ही डिसाइड कर लो। स्ट्रक्चर आपका मान लो कि वो पॉइंट वाला डिसाइड ना हो, तो इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से पेज पे क्या लिखना है, और यहाँ पे मुझे मान लो एडवांटेजेस खत्म करने रहा है। ऐसा ना हो जाए कि 7 पेजेस तक हम इंडिया के सॉफ्ट पावर एडवांटेजेस लिखते गए,
बाद में बचा एक पेज जहाँ पे फिर वो चेकर होगा, चेकर के जनरली दिमाग में क्या रहता है कि आपने एक्सटेंसिवली कितना कवर किया है। ओके, तो ऐसा डिसाइड कर लो कि दो पेजेस में मुझे खत्म करना है, फिर दो पेजेस में मुझे ये करना है कि हार्ड पावर नहीं है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, ऐसे पूरा जो 8 पेज है आपको ये 8 पेज में ही खेलना है। तो आप पूरा डिसाइड कर लो कि कौन से पेज पे आपको क्या लिखना है। ठीक है, बाद में वो ऑटोमेटिकली आपका सेट होता जाएगा, जो मैंने एडॉप्ट किया था टेक्निक एंड मेरा वो सक्सेसफुल रहा इस बार। तो ऐसे में आपको ऐसे डिवाइड कर देना है। देन उसके बाद GS 1 2 3। ओके, GS 1 2 3 में मतलब कई बार हमें लगता है कि यार GPSC क्या करती है। ओके, कई बार मतलब हम भी आंसर देखते हैं तो मतलब आंसर शीट एनालिसिस करते हैं, कई बार क्या होता है कि जो पॉइंट्स बना दिए होते हैं, ओके ऐसे 1 2 3, ओके पॉइंट्स बना के आंसर सी मतलब ये जैसे आपका वो फ्लेमिंग स्लाइड राइट हैंड रूल थंब रूल वो सब कुछ आता था ना साइंस में हम पढ़ते थे, वैसे इसका ये रूल थंब रूल ये है कि आपको पॉइंट में ही आंसर लिखना है। क्योंकि मैंने नोटिस किया था, मतलब हम जब आप भी नोटिस करोगे, अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिखोगे ना, आपने जितना भी सही लिखा होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, जैसे मैं खुद की बात बताऊं, जो चोला किंगडम वाला आंसर था, ठीक है, चोला के टाइम पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वो सब कैसा था। ठीक है, अभी मुझे इतना ही पता था कि सभा समिति ऐसा कुछ था। ओके, तो मैंने पॉइंट में आंसर लिखता गया। ठीक है, उस टाइम पे वो 5 मार्क्स वाला सिस्टम थी, तो 5 में से मुझे 3.5 दे दिए। मेरा एक फ्रेंड ऐसा था जिसको उसको पूरा ऐसा पता था कि भाई कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। ठीक है, बट उसने क्या किया, वो पैराग्राफ में लिखा था तो उसको 3 मार्क्स थे। सो वो इवन यू विल नोटिस कि यार ये कैसे चेक हो जाता है। ओके, सो पॉइंट में ही आंसर लिखना है कोई भी अगर क्वेश्चन होता है। ओके, 5 मार्क्स, अभी तो 10 मार्क्स के ही सारे क्वेश्चन है। ओके, सो 10 मार्क्स में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, वो तो सब आपको पता ही होगा, वो सब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म कर दो, फिर बाद में उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, जो क्वेश्चन जनरली रहता है वो, अभी ऐसा नहीं कि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। ओके, बोर्ड एग्जाम में होता है ऐसा होता था कि आपने जो पूछा है वही आपको लिखना होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको जो पूछा है उसके अलावा आपको और भी लिखना होता है। जैसे मान लो आपको पूछ दिया कि पॉजिटिव लिखना है, तो पॉजिटिव के साथ साथ वो नेगेटिव हिडन ही रहता है। ओके, वो आप नेगेटिव लिखोगे तो फिर आपको वो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, या फिर अगर आपको कंक्लूजन कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये तो आपको रट लेना ही है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं मतलब कहीं पे भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, क्योंकि मतलब स्पेसिफिकली मैंने इस बार ऐसा ही किया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रट लिया, कहीं पे भी क्वेश्चन मान लो एंड हो रहा है तो वहां पे आप वो ऐड कर सकते हो, एंड इट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन कि आपको ये पता है। और इवन एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये अच्छा रहता है कि भाई आपने मेंशन किया है कि भाई SDG को हमें अचीव करना है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी को, इवन वो आर्टिकल के साथ आपको याद रखना है। ओके, कि फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल 51A में से 0.5 मतलब 5वां पॉइंट ये है। सेम ही है, वहां पे वे फॉरवर्ड आप वर्ड यूज करो, कंक्लूजन वर्ड यूज करो, मतलब वर्ड वहां पे ऐसा मत लिखो कि वे फॉरवर्ड। ओके, उससे अच्छा है कि आप जो पैराग्राफ ही डायरेक्ट लिख दो। ओके, ऐसा वे फॉरवर्ड वर्ड यूज करना आई डोंट थिंक सो कि रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो ऐसा लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन, फिर लिखते हैं ऐसा 2 लाइन, तो वे फॉरवर्ड में ऐसा क्यों करना है। वे फॉरवर्ड में डायरेक्टली लिख देना है कि पैराग्राफ में कि दस this is required, या फिर we can achieve the sustainable development goal, this is sustainable cities वाला। okay, वो ऐसा आप mention कर सकते हो, way forward word या conclusion word use नहीं करना है। okay, then GS 1 2 3 में, ठीक है, जो भी आप magazine पढ़ते हो, ठीक है, monthly current affairs है, जो कुछ भी magazine पढ़ोगे, ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि limit रखना, जो 4 महीने का होता है उसमें से अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा ना हो कि आपको नहीं आता हो, वो 4 महीने वाला करंट अफेयर्स आपको करना ही है। बाकी का अगर टाइम बचता है तो आगे का फिर देखो, क्योंकि 4 महीने वाला पे ही ज्यादा फोकस रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी पेपर सेटर होता है वो ऐसा नहीं दिखेगा कि 8 महीने पहले क्या था। अभी रिसेंट में जैसे मान लो तालिबान चल रहा है तो वो तालिबान का ही क्वेश्चन आएगा। GS 1 वो तो फैक्चुअल पे ही है, GS 2 3 की बात। ओके,
जीएस वन में तो अभी ऐसा ही है कि गुजरात हिस्ट्री कल्चर वो रहता ही है। रेफर में ऐसा है कि आप टॉपिक देख लो, ठीक है, जैसे मान लो गुजरात आदिवासियों की संस्कृति, बरो तो आपने केटला आदिवासी से, अरे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप याद कर लो कि ट्राइब्स कितनी है इंडिया में, ठीक है। मान लो अगर आदिवासी का क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन में आप वो तो लिख सको, वो तो कॉमन ही रहेगा। आदिवासी का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि भाई 11 डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी है और यहाँ पे इतनी ट्राइब्स है। अगर आपने वहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको आप लिख सकते हो। ओके, तो पर्टिकुलरली जैसे मान लो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ट्राइब्स कितनी है, ओके, वो याद होगा तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर आपका स्टार्ट हो गया फिर आप वो लिख सकते हो आराम से। मैगजीन बेस्ड में तो ऐसा है कि आप कोई भी रेफर करो सब आपको सिमिलर ही कंटेंट मिलेगा। ओके, मतलब क्या होगा कि टॉपिक कवर किया है और नहीं किया है वही चेंज रहता है, बाकी आप कंटेंट अगर पढ़ोगे तो कंटेंट में आपको सेम मिलेगा। आपको कौन सी सुटेबल रहती है, जैसे मार्केट में बहुत सारी मैगजीन है, आपको कौन सी लैंग्वेज सुटेबल रहती है, आपको पढ़ने में कहाँ पे मजा आता है वो आप सिलेक्ट करो। ओके, जैसे कई लोगों को ऐसा होता है कि वो विजन वाला बहुत टफ हो जाता है, विजन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो किसी को दृष्टि वाली समझ में आ जाती है। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको कौन सा सुटेबल रहता है और ये दिमाग में रख लो कि जो आप पढ़ने वाले हो उसमें से आएगा ही, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा समझ लो कि आप जो पढ़ रहे हो तो आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है, आप जो पढ़ोगे कोई भी टॉपिक उसमें से क्वेश्चन आएगा वैसा नहीं होगा। आप जो पढ़ रहे हो उसमें से आप यही देखो कि अच्छा ऐसे आंसर लिख सकते हैं या फिर ऐसा पॉइंट इंक्लूड हम कर सकते हैं, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा फोकस करो। कुरुक्षेत्र योजना, देखो मैंने नहीं पढ़ा है, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई इतना पढ़ता होगा। पीआईबी में भी ऐसा है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम हो जाता है योजना कुरुक्षेत्र का। आप इतना सारा पढ़ते होगे, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने कहाँ जाओगे। जैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर करते हो तो फिर अभी योजना कुरुक्षेत्र में एक दो लाइन लिखने के लिए या फिर एक क्वेश्चन के लिए पूरे 12 महीने की योजना कुरुक्षेत्र रेफर करना थोड़ा टफ हो जाता है। सो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम रहता है। आप देखो कि सिलेबस आपको जो है सिलेबस वो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस में से कौन सा जो भी आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में तो आपको वो पॉइंट से रिलेट कर सके, ठीक है। क्योंकि आपको मैक्सिमम क्या होता है 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, तो 150 200 वर्ड्स में आप कितना सारा कंटेंट ऐड करोगे। जैसे HDI इंडेक्स वाला आंसर था, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा हो तो भी आप आंसर लिख सकते हो कैसे कि भाई HDI इंडेक्स इंडिया में अभी ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक आपने क्वेश्चन पढ़ा था, ये इस बार मेंस का पेपर देखे आपने, मेंस के नहीं पेपर तो देखने चाहिए ना जब, तो फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको आइडिया है ना कि इस बार मेंस के ऐसे पेपर थे। प्रीलिम्स का देखा है? अच्छा, इस बार कौन दे रहा है प्रीलिम्स, कौन दे रहा हो आप, दे रहे हो यूपीएससी प्रीलिम्स, कौन दे रहा है आप, दे रहे हो? नहीं, बाकी सब नहीं दे रहे हो, फिर भी एक बार अटेम्प्ट तो दे दो। मतलब इन द सेंस में ऐसा बोल रहा हूँ, आप बैठो माहौल में बैठो, अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। आपका वो गोल नहीं है तो कोई नहीं, बट मतलब आप बैठोगे तो आपको प्रैक्टिस तो होगी, प्रैक्टिस के लिए ही बैठ जाना है। हाँ, योजना को रुक से, ओके, ठीक है, वो मतलब टाइम हो तो करो। जैसे मैं अभी बोल रहा था HDI इंडेक्स वाला, हाँ, इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, ओके, सो हमारे यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं है। जैसे मान लो कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आपको आंसर देना है, आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे, व्हाई वी आर रैंकिंग लो इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, HDI में पैरामीटर्स क्या होते हैं वो तो सबको पता है ना, कौन कौन से होते हैं? आई थिंक मृणाल सर का एक लाइन है, वो पैदा होता पढ़ता पैसा कमाता, ठीक है, वो आप देख लेना, मृणाल सर का था। सो आप याद रह जाएगा दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन देन पर कैपिटा इनकम, दीज आर द पैरामीटर्स। नाउ उसमें आपको फोकस क्या करना है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब मैं आपको जनरल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको आइडिया होगा क्यों नहीं है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बाद में आएगा, आपको मतलब डायरेक्ट आंसर लिखना है, मतलब 200 में खत्म करना है, 200 वर्ड्स में आप वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स में जाओगे तो फिर वो मेन कंटेंट रह जाएगा।
पॉपुलेशन भी वही मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप फोकस करो कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो क्यों है। यस देखो आप सबसे पहले आप हॉस्पिटल, आपको पता होगा जो डॉक्टर डॉक्टर से जो रेशियो होना चाहिए यहाँ पे, मतलब सिटीजन वाइज डॉक्टर का रेशियो होना चाहिए वो इंडिया में कितना है, 1:1600। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है वो क्या है, 1:1000। ठीक है, ऐसे डेटा आप इंक्लूड करो। आप जो पढ़ रहे हो, मैंने जैसे बोला कि आप जो पढ़ रहे हो, आप ऐसा मत सोचो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आएगा, उसमें से आप जो डेटा आपको समझ में आ रहा है वो डेटा आप गेन करते जाओ। जैसे मैंने अभी बोला ये डॉक्टर वाला रेशियो, ठीक है, तो आप ये लिखो, तो जैसे आप आपको आंसर स्टार्ट करना है, ओके एसडीआई में हमारा रैंक कम क्यों है, तो आप डायरेक्टली ये लिखो कि भाई इंडिया में ये है, फिर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। ओके देन दूसरा इश्यू, यस पॉवर्टी ज्यादा है तो पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड द क्वालिटी हेल्थ केयर। ओके देन क्वैक्स, क्वैक्स आपको पता होगा, क्वैक्स, अच्छा कोई है डॉक्टर लाइन से यहाँ पे, क्वैक्स क्या होता है? ओके क्वैक्स मतलब कि जो डॉक्टर की डिग्री नहीं है बट वो एलोपैथिक डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, ओके उनको क्वैक्स बोला जाता है। सो इंडिया में 52% तो क्वैक्स ही है, ओके मतलब जो गवर्नमेंट का डेटा रहता है 52% क्वैक्स है। सो वी कैन से ऐसे सारे पैरामीटर्स आपको थोड़ी फैक्चुअल डिटेल लिखनी पड़ेगी, जो जनरल डिटेल्स तो आप लिखोगे वो तो हो ही जाएगा, वहां पे आपको फोकस करना है कि 200 वर्ड्स में लिखना है, तो मेन जो डिटेल है वहां पे आपको फोकस करना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो क्यों है। जैसे मैंने आपको बोला कि जनरली आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाओगे, आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप कहाँ से जाओगे हॉस्पिटल। ओके फिर आप मान लो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, आपको पता चला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही नहीं है, अगर डॉक्टर्स है तो पूरा लाइन लगा हुआ है कि सुबह में जाते हैं तो शाम में नंबर आता है। ओके सो दीज आर द इश्यूज। ओके वैसे ही आप एंड देन बजट का आपको मेन याद रखना है, कोई भी अगर आप कर रहे हो आंसर तो बजेटरी एक्सपेंडिचर हमारा गवर्नमेंट का कितना है, जैसे हेल्थ सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर है हमारा जीडीपी के, सॉरी एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो, ये डेटा आप याद करो। ठीक है 1.4 to 1.6 वेरी करता रहता है, 1.4 to 1.6 आप लिख सकते हो, 1.6 या 1.4 लिख सकते हो। ठीक है सी दीज आर द डेटा दैट यू हैव टू राइट, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मार्क्स मेंस में मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेंगे अगर आप डायरेक्ट मतलब ऐसे फैक्चुअल डिटेल लिखोगे। जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हेल्थ एक्सपेंडिचर इतना रहता है तो फिर कहाँ से मतलब बजट ही नहीं होगा गवर्नमेंट के पास तो कहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। तो ऐसे सारे डिटेल्स आप जो भी पढ़ो इस हिसाब से पढ़ो कि मुझे मेंस में ये काम आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके बहुत सारे टॉपिक एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि मैगजीन जो हम मंथली मैगजीन बोल रहे हो, मंथली मैगजीन में क्या होगा कि इतना सारा भर दिया होगा कि वो याद रखना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो आप याद रखो कि मुझे ये काम आएगा कि नहीं आएगा, आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसमें ये देखो कि मुझे ये काम आएगा कि नहीं आएगा, अगर आता है तो उसमें से क्या टॉपिक में से वो कंटेंट दिया उसमें से क्या काम आ सकता है उसको आप हाईलाइट कर दो या नोट डाउन करना हो लिखना हो जो भी आप प्रैक्टिस करते हो वो करो। ओके तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका एक डेटा बनता जाएगा। जैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला तो मैंने मतलब सालों पहले पढ़ा था, अभी पढ़ा नहीं था बट मुझे ये सारी डेटा पता थे, तो क्या होता है क्वेश्चन आप आंसर आराम से कर सकते हो। ओके देन और कोई डाउट? डेडिकेटेडली जरे हमें प्रिपरेशन करता था, मतलब हूँ मारो फ्रेंड हमें बनने जोड़े जॉब छोड़ी थी तो अहमदाबाद में जमे था त्या सदविचार लाइब्रेरी में। तो इनिशियली जरे हमें स्टार्टिंग ना जो 2 वर्ष था स्टार्टिंग के जो 2 साल थे तो स्टार्टिंग के 2 साल में ऑलमोस्ट ऐसा था कि सुबह में 8 बजे चले जाते थे, फिर मान लो जो बीच में जो ब्रेक थोड़ा होता है लंच का ये उसके बाद मतलब रात को 11 बजे आते थे। ठीक है 2 साल तक ऐसा रूटीन रहा, उसके बाद क्या हो जाता है कि आपके अंदर एक विजडम डेवलप हो जाती है, आप फेल होते हो फिर कहीं पे पास होते हो, फेल होते हो कहीं पे पास होते हो, तो आपको एक विजडम डेवलप हो जाता है। उसके बाद आप रिड्यूस कर सकते मतलब रिड्यूस आपको ऑटोमेटिकली क्योंकि आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी तो वो थोड़ा कम हो ही जाएगा। ओके सो ऐसा नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ोगे तभी होगा, बट एक बार जो सिलेबस है वो सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। ओके उसके बाद आप कहीं पे फेल होगे कहीं पे पास होगे तो आपका एक विजडम डेवलप होगा। ओके वो विजडम आपको फिर बाद में बहुत काम आएगा। जैसे ये वाली मेंस थी, ये वाली मेंस में मैं इतना टाइम दे ही नहीं पाया था। ओके मतलब व्हाट एवर द रीजन, सो विजडम वहां पे काम आता है कि आप जहाँ पे फेल हो तो आपको पता था कि यार ऐसा आता ही नहीं है। ओके जैसे अभी आप पढ़ते होगे तो आप मतलब अननेसेसरी डिटेल्स हम इतनी सारी पढ़ लेते हैं ना कि वो बाद में काम ही नहीं आती है, तो एक विजडम डेवलप होगा आपका कि यार ये आता है ये नहीं आता है। ओके
तो वो फोकस करो कि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एग्जाम में काम आएगा कि नहीं आएगा, वो विजडम से आप वो कोई भी टॉपिक पढ़ो। ओके, क्योंकि आपको पता है कि मतलब मार्केट में पूरा अपना चलाने के लिए क्या होता है, वो डेली आता ही रहता है, डेली करंट अफेयर्स से पूरा वीडियो आता ही रहता है। अभी आप सोचो कि कौन इतना सारा मतलब याद रख सकता है। जो सिलेबस है, सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना विजडम डेवलप करो कि अच्छा ऐसा, क्योंकि जो मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, इवन यूपीएससी के मेंस के भी 90% क्वेश्चन आर रिपीटेड, 90% क्वेश्चन इन मेंस आर रिपीटेड। बट वो क्या होता है, वो टॉपिक को कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में दिया होता है, तो इनिशियली आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। आप अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, क्योंकि मैंने इस बार जो मेंस दिया था तो मैंने पूरा एनालिसिस किया था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इवन जो मैंने मतलब मेंस दिया था, अनलकीली वो नहीं हुआ क्योंकि वो शायद जो भी रीजन हो, बट क्वेश्चन मुझे पता था कि एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आता था। ओके, सो बेसिकली जीपीएससी जैसा नहीं है, यूपीएससी में थोड़ा ये अच्छा है कि मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मतलब थोड़ा जीपीएससी में थोड़ा डिफरेंट चला जाता है, तो वहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही मतलब मैं ऐसे बोला कि आप सिलेबस को पकड़ के बैठो, सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ो। ओके, मोटिवेशन देखो बेटा, अभी ऐसा है, सी इनिशियली अच्छा मैं ये लाइन तो बोलना भूल गया, देखो मोटिवेशनल स्पीकर मैं नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं मैं समझ में आता हूँ, उस पर ही आता हूँ। देखो मोटिवेशनल स्पीकर ना तो मैं हूँ, इवन आप भी जब मोटिवेशनल स्पीकर का आप कोई सुनोगे तो आपको शायद वो एक दिन, दो दिन या तीन दिन तक रहेगा, ठीक है, वो मोटिवेशन फिर ऑटोमेटिक चला ही जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली आप दिमाग में ये रखो कि ये मैं जो सब कुछ बाकी सब कुछ छोड़ के ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, वो दिमाग में आप रखो कि भाई ये वाला कि मुझे क्यों करना है ये। ओके, शायद सबकी मतलब कोई ऐसा ना, सब ऐसा नहीं सोचते हो कि भाई चलो मुझे समाज का भला करना है, वो सब तो ठीक बाद में, आप इनिशियली आप आपका मोटिव तो ये तो होगा कि भाई चलो पेरेंट्स को ऐसा लगे कि भाई मेरा लड़का या मेरी लड़की ने ये अचीव किया। ओके, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी सारी है, आउट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल 120, अभी जीपीएससी पता नहीं कितनी वैकेंसी कम क्यों होती है, ओके 120 या फिर 200, मतलब कितने दिए थे इस बार जो मेंस ये जो हुआ कंडक्ट, उसमें कितने लोगों ने दिया था, 1,68,697 जीपीएससी, 1,68,697 उसमें से कितने सिलेक्ट हुए, मतलब फाइनल सिलेक्शन 120 का हुआ। ओके, सो फाइनल सिलेक्शन 120 का है, तो आप समझ लो कि मतलब मोटिवेशन अभी ऐसा होगा कि मोटिवेशन आप देखते जाओगे, एक दो दिन तक ऐसा रहेगा कि यार नहीं चलो ये करना है, जब तक अंदर से आपको ऐसा नहीं होगा कि यार ये करना ही है। ओके, ऐसे पकड़ मान लो कि सब कुछ छोड़ दिया है, अब ये करना ही है तो करना ही है। ओके, बाकी सब कुछ ऐसा मान लो कि कैरियर में कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके, अल्टीमेटली देखो जो इतने सारे सिलेक्ट हुए, बाकी जो सिलेक्ट नहीं हुए उसमें ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते थे या फिर उनको पता नहीं था कि क्या करना होता है। ओके, जनरली आप देखोगे तो मतलब जो टॉप 10 को आप छोड़ दोगे तो बाकी जगह जो हंड्रेड्स होते हैं, हंड्रेड्स के बीच में मार्क्स डिफरेंस 10-15 मार्क्स का ही होता है। ओके, मान लो कोई एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आप टॉप में चले जाओगे, कोई क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है तो आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो ये उस रेंज में आने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, मोटिवेशनल टॉक्स में मोटिवेटेड कैसे रहना है, तो मैंने वही सोचा बोला कि आपको क्यों करना है वो एक बार दिमाग में रख लो कि मुझे क्यों करना है। आई थिंक सबका मोटिवेशन जो सबसे पहले रहता है कि यार मतलब फैमिली के लिए ही करना हो, मतलब आई थिंक जो मैंने बहुत सारे देखा है कि यार मुझे समाज का भला करना था, ये वो नहीं हो रहा था। अगर मान लो कहीं भी आप गए और आप कहीं भी आपके साथ कुछ गलत हो गया तो फिर आपको लगता है कि यार ये समाज के लिए ही करना था। तो मतलब सी आई एम प्रैक्टिकली मैं आपको सही बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली वो मोटिवेशन थोड़ा टफ रहता है, तो आप वही रखो कि यार पापा के लिए करना है, मम्मी के लिए करना है, वैसा तो ये मोटिवेशन तो सबके अंदर रहेगा ही। ओके, तो वो दिमाग में रख के आप करो। ओके, बाकी तो 200 वर्ड्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, वर्ड यूज किया हुआ है आपने, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक बार आप आंसर लिख दो, नोट पेन से आंसर लिख दो, उसके बाद क्या करो सेम आप टाइप करो वर्ड पे, तो वर्ड पे नीचे लिखा जाता है कि इतने वर्ड्स हुए। ओके,
तो एक दो बार आप ट्राई करो तो आपके लिखा होगा, मतलब आप सी सबकी हैंड राइटिंग सेम नहीं होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत मोटे मोटे अक्षर में लिखते हैं, कोई बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि पेज हमारा कितना होगा। किसी का मान लो एक पेज पे ही 200 वर्ड आ जाते हैं, डेढ़ पेज पे ही 200 आ जाते हैं, किसी का दो पेज में भी 200 वर्ड नहीं आते। तो एक बार आप क्या करो, क्वेश्चन आप लिख दो, फिर सेम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक बार टाइप करके देख लो एक दो बार कि मेरा डेढ़ पेज कंज्यूम होता है 200 वर्ड्स लिखने के लिए। उसके बाद आपको पता चल गया कि डेढ़ पेज में मेरा 200 वर्ड हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आप डेढ़ पेज पे भी आंसर लिखोगे तो हो जाएगा। मतलब मेरा एक फ्रेंड है इसका, मतलब यूपीएससी में इंटरव्यू था इस बार, उसने हर एक पेज मतलब डेढ़ पेज या 1.25 पेज में ही सारे आंसर लिखे थे, बट फिर भी उसका मेंस निकल गया बिकॉज कि उसको पता था कि उसका इतना वर्ड्स में आ जाता है। ओके, तो एक बार वो आप कर लो, चेक कर लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि आपका कितना वर्ड्स में कितना पेज कंज्यूम होता है। ओके, और कोई गवर्नेंस पोर्शन? गवर्नेंस पोर्शन में ऐसा है कि मैंने जो रेफर किया था वो मतलब वो विजन वाला एक था, मॉड्यूल आता था उनका रेफर किया था, बट करंट में से थोड़ा फोकस रखिए। करंट में से क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स अभी जो हो रहा है, सिविल रिफॉर्म्स आप न्यूज में आता ही रहता है कि भाई ये हो रहा है, या फिर ये कुछ अभी आया था बीच में, क्या था, कर्मयोगी मिशन ऐसा कुछ था। ओके, हाँ कुछ ऐसा था। ओके, सो ऐसा कुछ आता रहता है, तो करंट डिटेल्स से आप थोड़ा टच में रहो, तो उसमें से आप आंसर कर सकते हो। ओके, मेन वही है, एक एक टॉपिक देखना है, आपको कहीं से भी मिलता है। ओके, कहीं से भी मटेरियल मिलता है, आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर टॉपिक देखना है, वो टॉपिक बाद में आप गूगल भी करो। ठीक है, सी हर एक टॉपिक को एक बार तो आपने गूगल किया होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मतलब क्या है, या फिर मार्केट में क्या नया है, या फिर न्यूज में ही वो आपको मिल जाए। ओके, तो वो ऐसा रखना है कि गूगल का एक्सटेंसिवली यूज करो, प्रीलिम्स के लिए तो अगर आप करें ना, प्रीलिम्स में तो बहुत काम आएगा। ओके, एंड जीपीएससी प्रीलिम का अच्छा थोड़ा मैं बता देता हूँ। जीपीएससी प्रीलिम अगर आपका कल्चर वाला पोर्शन आप देखा है, आप अटेम्प्ट किया है, मतलब कल्चर ऐसा पोर्शन है उनका ना, मैंने ये तीसरी फिल्म दी थी, मतलब कल्चर मेरा होता ही नहीं था, मतलब होता ही नहीं था इन द सेंस ऐसा है कि मतलब हम जो करते हैं इस बार वो कर दिया तो दूसरी बार कुछ अलग क्वेश्चन आ गए। ओके, सो बेसिकली वो रहता ही है कि कल्चर वाला पोर्शन, तो वो 50 मार्क्स में से आप ऐसा ना करो कि मतलब बहुत सारा टाइम उसमें ही दे दिया और बाकी सब में कम दिया। कल्चर वाले में पता है कि इतने चलो मुझे 10 मार्क्स लाना है, ठीक है 10 मार्क्स आ गए, 50 में से इनफ है, बाकी सारे में स्कोर करना है। ओके, तो ऐसा मत करना कि किसी एक पोर्शन को पकड़ के उसमें ही सारा टाइम दे दिया और बाद में पता चला कि उसमें से कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, सो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। ओके, जैसे मान लो आपको पता है कि पॉलिटी वाला पोर्शन है, अगर आप पॉलिटी के देखोगे तो लक्ष्मीकांत से आप सारे आंसर कर सकते हो, तो पॉलिटी में आप ज़्यादा फोकस करो, 50 में से आपके मतलब 40 तो आ जानी चाहिए। So, वैसे फोकस करो कि सब्जेक्ट का कितना मतलब कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से आंसर हम कर सकते हैं। ओके, हाँ अटेम्प तो मैंने याद ना थी, बट वधारे साचा नहीं आमा आर्ट एंड कल्चर में। आई थिंक आ वक्त वो तो के यूपीएससी मेन्स पती एना अठवाडिया पची जीपीएससी प्रीलिम थी, बरो तो सॉरी हाँ यूपीएससी मेन्स का जीपीएससी मेन्स पति एना अठवाडिया 25 प्रीलिम थी, बरो मैं मतलब मेरा 3 दिन का ही बढ़ना हुआ था, बट आगे का जो पूरा बढ़ा हुआ था। ओके, तो इस बार आई थिंक मेरा स्कोर था 177 था। ओके, मतलब इस बार मतलब ये जो कट ऑफ मार्क्स था वो भी बहुत पीछे गया था, अभी 3 दिन पढ़ना हुआ था। ठीक है, बट वो क्या होता है कि एक बार जो आपने आगे पढ़ा था वो आपको याद आ ही जाता है। ओके, तो ऐसे पोर्शन रिवाइज करो कि आपको पता है इसमें से क्वेश्चन आएगा और आप आंसर कर सकते हो। जैसे मैंने कल्चर का बोला, अभी कल्चर का ऐसा है कि आप बहुत टफ हो जाता है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, इवन आप भी वो फेस करोगे कि पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। ओके, तो आप कल्चर में क्या करो, जीपीएससी की जो पिछले 3 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके रखो, इसमें से कहीं ना कहीं कनेक्शन बन गया तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ठीक है, आई थिंक 3 या 4 प्रीलिम्स हो गए जीपीएससी के, तो आप क्या करो वो सारे क्वेश्चन तो आपको याद होना ही चाहिए, और उसमें ऑप्शन भी जो हो ऑप्शन भी आपको याद रखना है। ओके, जैसे मान लो क्वेश्चन कोई है, ओके,
और उसके ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए, आपको एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, बट बाकी के जो तीन ऑप्शन थे वो तीन ऑप्शन को भी आगे एक बार रिसर्च करके थोड़ा पढ़ लो कि ये क्या था, ताकि अगर नेक्स्ट प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आप अटेम्प्ट कर सको। ओके, तो कल्चर में आप उस हिसाब से करो, बाकी जो टॉपिक दिए हुए वो टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार तो करना ही पड़ेगा, तो फिर आपको याद हो जाएगा। મારો સૌથી જો વીકેસ્ટ પોર્શન રહ્યું હોય તો ઇકોનોમિક્સ જ રહ્યું, એનો વન ઓફ ધ રીઝન એ હતું, મતલબ પ્રિલિમ ફોકસથી અગર આપ પઢોગે, ઓકે, જૈસે આપને બતાયા વહાં સે મેને પઢા થા તો પ્રિલિમ ફોકસથી ઉનકા થા પૂરા પોર્શન, ઠીક હૈ, તો પ્રિલિમ ફોકસમાં ક્યા હોતા હૈ કે કઈ બાર જો ટ્રિવિયલ ડિટેલ મેન્શન હોતી હૈ, અભી મતલબ યુપીએસસી વાલે મેં પૂરા પોર્શન ચેન્જ હો રહા હૈ, ઠીક હૈ, તો આપ ક્યા કરો, કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સોર્સ એસા પઢો કે જહાં સે આપકો મેન્સ કા ભી કામ આયે। So, मृणाल सर का भी अच्छा ये पूरा एकदम सही है, बट मेंस पर्सपेक्टिव भी आप थोड़ा देखो कि आपको मेंस में भी काम आए। तो मैंने कहाँ से पढ़ा था, अभी ऐसा है कि मतलब बहुत सारी बुक रेफर हो गई है, मतलब मुझे पता था कि ये पोर्शन वीक है तो वीक को मैंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी बुक्स रेफर की थी। सबसे पहले मैंने किया था एनसीईआरटी को कर दिया था, ठीक है, एनसीईआरटी के बाद एक विवेक सिंह की बुक थी इकोनॉमी की, ठीक है, वो मैंने कर दी थी बाद में। इफेक्टिव है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, यस लेंदी है, बट आई थिंक दैट इज गुड बुक। रमेश सिंह आप रेफर करोगे तो आपको क्या होगा, मतलब ये प्रीलिम फोकस से आप करोगे कहीं से तो क्या होगा कि आपको जो इकोनॉमिक्स थी जो पुरानी डिटेल्स है वो आपको पता नहीं होगी, वो आपको किसी पर्टिकुलर बुक में ही मिलेगी। जैसे रमेश सिंह है तो उसमें ऐसा है कि मतलब इनिशियली मैंने नहीं पढ़ा था, फिर बाद में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये पहले पढ़ना चाहिए था। वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक बेस बिल्डअप होता है, फिर आप इकोनॉमिक कंसेप्ट समझ पाओगे। अगर आपने बेस ही बिल्ड नहीं किया है, आपने डायरेक्ट याद कर लिया कि भाई कमर्शियल बैंक ये है वो है, मतलब यहाँ पे इतना परसेंटेज है, यहाँ पे इतना परसेंटेज है, बट कमर्शियल बैंक का बेस मतलब कहाँ पे क्या था, कब शुरू हुआ, क्या हुआ था, अगर वो हमें पता होता है, बेस अगर बिल्ड होता है तो हम अच्छे से आंसर मतलब गेस वर्क अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो वो देख लो कि मतलब मेंस पर्सपेक्टिव भी आप थोड़ा देख लेना कि मेंस में काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अच्छा गुजराती में क्वेश्चन पूछ लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तुम्हारे। सर अगर जीपीएससी माटे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री बदला आ बात बाजू हो तो कई सोर्स तुमने सी GS2 और GS3 में मेंस में अगर आपने देखा होगा तो करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन आते हैं, जो आते जो क्या बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक दो क्वेश्चन हो गए। ओके, जैसे लास्ट टाइम था फिजल डेफिसिट, टाइप्स ऑफ डेफिसिट के रिगार्डिंग था। ओके, अभी टाइप्स ऑफ डेफिसिट एक ऐसा टॉपिक है, मतलब जल्दी आप पढ़ोगे तो फिर आपको याद रह जाएगा। तो स्टैटिक से ज्यादा करंट पे फोकस करो कि करंट में से क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। इस बार इकोनॉमिक्स में से कौन से क्वेश्चन थे? अच्छा पेपर तो आपने देखा ही नहीं, पेपर तो देख लो एक बार, पेपर देखोगे तो फिर आपके प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। ओके, मतलब इवन हम भी क्या करते थे प्रिपरेशन फेज, मतलब ऐसा होता है कि आप जो भी कर रहे हो, जैसे मान लो आपका मेंस नहीं है बट जिसका मेंस है आप बाद में तो देने वाले हो, तो आपने जैसे मान लिया आपने कुछ एज्यूम करोगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप आता है जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, पेपर आता है उसको एक बार देख तो लो कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वरना फिर आप पढ़ते ही जाओगे और आपको पता चला कि यार ये तो मेरी प्रिपरेशन से सिंक्रोनाइज ही नहीं हो रहा है। ओके, तो पेपर तो सबसे पहले ही देखने हैं। बेनिफिट डेफिनेटली कि भाई आपने खबर है कि भाई क्या जवानों से एक खबर है तो आपने ने आ जाए ने इधर, बाकी मने खबर है नहीं क्या जवानों से पछि अइया जाइए ते आ जाइए पछि छेवटे खबर पड़े कि यार बीजे पहुंच गया। ओके, तो एक क्वेश्चन पेपर रीड करो तुम। ओके सर, प्रतिजी क्वेश्चन सिलेबस सेम छे, सिलेबस बनने नो प्रीलिम्स ने मेंस नो सिलेबस सेम छे, करो प्रीलिम्स में पूछा है जे फैक्चुअल डिटेल पूछा थे, जरे मेंस में पूछा तो एनो ओवरऑल तुमने कांसेप्ट खबर छे के नहीं एना पर कोई बरोबर, जो तुम टॉपिक वाचो जो हवे जो तुम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव थी वाचता हसो तो तुम एवुज ध्यान राखशो के आनी अंदर ट्रिवियल डिटेल शू छे। ओके, आ क्या वर्षे थी तू, आ क्या नो राजा हतो, एवुज तुमने ख्याल हशे, बट जो तुम मेंस पर्सपेक्टिव थी वाचता हसो तो ए टाइम ए राजाए क्या क्या सुधारा कर्या,
એના શું મતલબ નેગેટિવ પોઈન્ટ્સ હતા, આવું બધું તમને ખ્યાલ આવી જાય, તો મેન્સ પર્સપેક્ટિવથી વાંચતા હશે ને તો ઓટોમેટિકલી તમારી પ્રિલિમ તો થઈ જ જશે. કરંટ અફેર્સમાં દેખો એવું જ છે કે જે લાસ્ટના જે ટાઈમ બચે ને એ વખતે કરંટ અફેર્સમાં એટલું ખબર છે કે આ વસ્તુ ક્યાં છે. જીપીએસસીની હું જીપીએસસીની પ્રિલિમની વાત કરું તો માની લો કે આ બાલાકોટ છે એ ક્યાં આવેલું છે, બરાબર, કંઈક નવું હમણાં બન્યું હતું ઓડિશામાં કે એવું કંઈક હતું, ભૂલી ગયું એવું કંઈક નામ હતું, બરાબર, એ ડાયરેક્ટ લોકેશન જ પૂછે છે. જીપીએસસીની પ્રિલિમ્સમાં એવું નથી હોતું કે તમને 3-4 લેન્ધી હોય સ્ટેટમેન્ટ ને પછી હોય, ડાયરેક્ટ જ હોય છે. તો તમે જીપીએસસી પ્રિલિમ આપતા હોય તો એ રીતના વાંચવાનું કે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ પર ફોકસ કે કઈ વસ્તુ ક્યાં થઈ એનું એ વધારે હોય છે, બરાબર. એ કરંટ અફેર્સના ક્વેશ્ચનની વાત કરશું, બાકી ઇકોનોમિક્સનું કરંટ અફેર, પોલિટીનું કરંટ અફેર્સ એમાં ક્વેશ્ચન અલગ હોય છે, એમાં થોડા સ્ટેટમેન્ટ વાઇઝ ક્વેશ્ચન હોય છે. બટ જીપીએસસીમાં એવું છે કે તમે થોડા એલિમિનેટ કરી શકો, એલિમિનેટ થાય એવા ઓપ્શન હોય છે. તો કરંટ અફેર્સ કરતા હોય તો પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ પર ફોકસ કરો કે આ વસ્તુ શું છે, આ એક્સરસાઇઝ ક્યાં થઈ, ઓકે, ઇમ્બેક્સ એક્સરસાઇઝ છે કે પછી માલાબાર એક્સરસાઇઝ છે, તો એમાં કયા કયા નેશન છે, આ અમુક ફેક્ચ્યુઅલ ડિટેલ આ તમારે યાદ રાખી લેવાની, એ તો કરંટ અફેર્સમાં એટલું જ હશે. પણ ઇકોનોમીનું જો તમે કરંટ અફેર્સ વાંચતા હશો ને તો તમે બજેટ વાંચતા હશો તો બજેટની અંદર હશે કે ભાઈ બજેટમાં આ ટોપિક છે, આ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરેલું છે, આ જગ્યાએ આટલો એક્સપેન્ડિચર કર્યો છે, બરાબર, એ તમને થોડું ડિટેલમાં કરવું પડે. અને એ તમે કરો મેન્સ પર્સપેક્ટિવથી વાંચો તો તમને પ્રિલિમ ઓટોમેટિકલી ઇઝી લાગશે, બાકી પ્રિલિમ પર્સપેક્ટિવથી જો તમે પ્રિલિમ કરતા હશો તો થોડું ટફ થઈ જશે. અચ્છા આ વખતે મેન્સ આપી કોઈ નેક્સ્ટ રાહ જોઈ રહ્યા છો પ્રિલિમ્સ, હમણાં રિસેન્ટમાં કઈ એક્ઝામનો ફોકસ છે તમ બધાનો? યુપીએસસીનો, ઓકે, બીજા જીપીએસસીનો મતલબ નેક્સ્ટ જે આવે વેકેન્સી એનું, ઓકે. તો માની લો કે તમારી જોડે જ્યાં આઈ થિંક એક વર્ષ તો થઈ જશે, બરાબર, મેન્સ આવવાનો, તો એ પ્રિપેરેશન દરમિયાન તમે આખી રીતના આન્સર રાઇટિંગનું ફૂલ પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખજો, અને જે સિલેબસ છે એ સિલેબસના ટોપિક દરેક ક્લિયર હોવા જોઈએ, બરાબર છે. બીજો કોઈ ડાઉટ? હા, ઇન્ટરવ્યુમાં આઈ થિંક મારું સિલેક્શન ઇન્ટરવ્યુના લીધે જ હતા, ઇન્ટરવ્યુમાં મારા સારા માર્ક્સ હતા, ઇન ઇન્ટરવ્યુ આઈ ગોટ 62, ઓકે. સો ઇન્ટરવ્યુમાં સ્કોર બહુ ફરક પાડી દે તમારે, કારણ કે ઘણા લોકો એવું છે કે બહુ મેન્સમાં બહુ સારા છે બટ ઇન્ટરવ્યુમાં 35, 40, 45 એવા સ્કોર મૂકીને એમને રિજેક્ટ કરેલા છે. સો ઇન્ટરવ્યુ બેઝિકલી ઇઝ ઓલ અબાઉટ, યુ કેન સે, યોર પર્સનાલિટી, મતલબ આપ ક્યાં સોચતે હો, ક્યાં નહીં સોચતે હો, વહાં પે ફેક્ચ્યુઅલ ડિટેલ્સ ચેક નહીં હોતી, ઓકે. નોર્મલ રહેવાનું, ટેન્શન નહીં લેવાનું, જસ્ટ આપણે જેમ વાત કરીએ છીએ ને બસ એવી રીતના વાત કરતું રહેવાનું, ગભરાવાનું નહીં. જો ગભરાઈ જઈશું, પછીનો છૂટતો હશે તો પછી પેલાને બી ખબર પડે કે યાર આને હવે થોડું કાઠું લાગી રહ્યું છે, તો એ તમને નેગેટિવ જતો રહે. કારણ કે મને પૂછ્યું હતું કે એટલે મારી ચાઇનાની કંપની હતી તો મને ચાઇના ઉપર બધું ફોકસ હતું ઇન્ટરવ્યુ મારું, તો એમને એક જગ્યાએ મને પૂછ્યું કે ભાઈ ટેલરિઝમ શું છે, હવે નથી ખબર તો સર, ખબર નથી કે ટેલરિઝમ શું છે, પછી કે ભાઈ આજે કયો દિવસ છે, હવે મને ખબર નથી, મને આગળનો પેલો શહીદ કિનારીવાલા દિવસ હતો એ યાદ હતો, મેં સર ખ્યાલ નથી, તો કઈ વાંધો નહીં, તો એ સિંહ દિવસ, લાયન ડે હતો એ દિવસે 10th August, ઓકે. હવે એ અમુક વસ્તુ કેવું છે, ના ખબર હોય તો ના જ ખબર, એમાં બધાને બધું ખબર એવું જરૂરી નથી. ઇવન ત્યાં જે ઇન્ટરવ્યુ લેવા બેઠા હશે, દિનેશ દાસા સર હશે કે બીજા કોઈ બી હશે, એમના માને કે એમનું ઇન્ટરવ્યુ આપણે લેવા બેઠા હોઈએ તો આપણે એમને પૂછીશું તો ઘણી વસ્તુ એમને બી નહીં ખબર હોય. એટલે વસ્તુ એ છે કે ઇન્ટરવ્યુમાં ટેન્શન નહીં લેવાનું, બસ ફ્રી થઈને તમારી જે બેઝિક ડિટેલ્સ છે એના આજુબાજુ તમારે ફોકસ રાખવાનો. માની લો કે તમે કોમર્સ કર્યું છે, બરાબર, તો કોમર્સની અંદર જે ટોપિક છે જે બધું તમે ભણ્યા છો આટલા વર્ષોથી, બરાબર, તો એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ એટલું બેઝિક નોલેજ હોવું જોઈએ. જ્યારે માની લો કે તમે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું અને તમને પૂછી લે કે ભાઈ વોટ ઇઝ કરંટ, પછી તમે આપણે ત્યાં ગોથા ખાઈએ કે ભાઈ કરંટ શું છે, તો એ નેગેટિવ ઇમ્પ્રેશન ક્રિએટ થાય, ઓકે ભાઈ, કે ઘરમાં કેટલા વોલ્ટેજનું આવે છે કરંટ, ત્યાં આપણે વિચારીએ કે સાલું 230 આવે કે 320 આવે કે શું હતું, એવું બધું ના હોવું જોઈએ. એટલે એ તમારું જે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જે તમે કહેવાના હોય એના પર પૂરેપૂરું તમારું મતલબ પકડ હોવી જોઈએ કે હું આ એને કહીશ તો એના પછી જે ક્વેશ્ચન આવશે મારી કેપેબિલિટી હોવી જોઈએ કે હું એના આન્સર કરી શકું. એટલે ફોકસ રાખવાનું, બાકી ટેન્શન લીધા વગર આરામથી બેસી જવાનું, બરાબર. થોડું જે
ડ્રેસ વેસ જે ડ્રેસ કોડ છે એના અનુલક્ષીને આપણે જે ત્યાં રાખવાનું હોય એ પહેરીને જવાનું, બરાબર છે? કોઈ મતલબ એ તો હજી તમારી પ્રિલિમ પછીની વાત છે, બરાબર, પ્રિલિમ્સ મેન્સ પછીની વાત છે, બટ જે ડ્રેસ કોડ હોય એ ડ્રેસ કોડ પ્રમાણે જઈને આપવાનું આરામથી, ટેન્શન વગર. મેન વસ્તુ એ જ કે તમે જે ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, ક્યાંય જોબ કરી, કે એના પર તમારું ફોકસ વધારે હોવું જોઈએ. એમાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન આવી ગયો તો મને આવડવો જોઈએ. બાકી જે કરંટમાં ચાલતું હશે, માની લો કે એમ પૂછી લે કે ભાઈ તાલિબાનમાંથી હમણાં કોણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યું, તો જરૂરી નહીં ખબર હોય, આપણને ઇસ્યુ ખબર હોય કે ભાઈ ચલો તાલિબાનનો ઇસ્યુ છે, પણ કોણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની ગયું એટ અ ટાઈમ ના ખબર હોય તો આપણે એમ બી કહી જાય કે ભાઈ નથી ખબર હાલ મને, બરાબર. તો બીજું કઈ નહીં, મેં મુકુંદ ડેરો નતા આપે. હા, મેં તમને કીધું મારા ટાઈમ કન્સ્ટન્ટ હતી એટલે નતું થઈ શક્યું. બાકી હું તો કહું તમારે મોક ટેસ્ટ તો આપવાના જ છે, મોક ટેસ્ટ, આન્સર રાઇટિંગ આ તો કરશો તો જ તમારે ડેવલપ થશે. ઓકે, નહીતર પછી કેવું છે, થોડો ટાઈમ વધારે ખેંચાતું જશે. જેટલું તમે જેટલી જે વસ્તુ જેટલી લેટ કરશો ને એટલો ટાઈમ વધારે ખેંચાતો જશે. જેમ કે માની લો તમે અત્યારે આન્સર રાઇટિંગને વિચારો છો, પ્રિલિમ્સ થાય પછી આન્સર રાઇટિંગ કરું, પ્રિલિમ્સ થાય પછી આન્સર રાઇટિંગ કરું, ઓલરેડી જે આગળથી આટલા બધા મેં તમને આંકડો કીધો ને, આટલા આંકડામાંથી 120 જણા હતા, તો ઓલરેડી એ બધા ક્યાંક ના ક્યાંક કોઈક પ્રેક્ટિસ કરતું હશે, તો એનો ફાયદો થઈ જશે ને તમે રહી જશો, બરાબર. તો અહીંયાથી બી જે તમને ગાઈડન્સ મળતું હોય, બરાબર, અહીંયાના જે બધા સરને બધા બધા મસ્ત જ હોય, તો એ જે તમને ગાઈડન્સ આપતા હોય, એ તમને જે ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિસ માટે આપતા હોય, એ બધું પ્રેક્ટિસ કરવાનું જ છે, તો જ તો તમારો આખો બેઝ ડેવલપ થશે ને તમે અટેમ્પ્ટ કરી શકશો. નહીતર પછી પેલો નંબર યાદ કરી લેવાનો એટલે તમને ઓટોમેટિક ટેન્શન આવી જશે કે ચાલુ વાંચવું પડશે. એથિક્સમાં છે ને, એક્ઝામ્પલ તમે બહુ યાદ કરી લો. એથિક્સમાં સ્વામી વિવેકાનંદ છે, ગાંધીજી છે, ટોલસ્ટોય છે, સોક્રેટિસ છે, આવા જે બધા એક્ઝામ્પલ છે ને, કોઈ બી એક તમને જ્યાં મટીરિયલમાં તમને એમ લાગતું હોય કે અહીંયાથી મને સારા એવા એક્ઝામ્પલ છે, એક્ઝામ્પલનું એક બનાવી દો. બીજું ડેફિનેશનનું જે હોય એ થોડું ડેફિનેશનનું બનાવી દો. ભાઈ એટીટ્યુડનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો તો એટલીસ્ટ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એ તો લખવું પડે કે ભાઈ એટીટ્યુડ શું છે, બરાબર, વેલ્યુઝ, તો વેલ્યુઝ શું છે, તો એકવાર ડેફિનેશનનું થોડું બનાવી દો અને એક્ઝામ્પલનું બનાવી દો, પછી ઓટોમેટિકલી તમે બીજાના આન્સર જોશો ને તો તમને એમ લાગશે કે ભાઈ આ તો મને ખબર જ છે. એથિક્સના ક્વેશ્ચન એ છે કે હું લખું કે તમે લખો, કોઈ બી લખશે ને તમને એમ લાગશે કે આ તો મને ખબર જ હતું, બટ એટ અ ટાઈમ એ તમને એક્ઝામ્પલ ખબર હોવા જોઈએ અને એટ અ ટાઈમ એ ડેફિનેશન ખબર હોવી જોઈએ કે તમે ઇન્ટ્રોડક્શનથી સ્ટાર્ટ કર્યું પછી એના તમે આન્સર લખી શકો. તો એથિક્સની અંદર જે બુક જે હતી, મુદિત જૈન કરીને એક છે, એમની મેં બુક રેફર કરી હતી, એક માર્કેટમાં નવી આવી હતી, તો મેં ચલાવવા લાગ્યું કે એની અંદર એક્ઝામ્પલ ને બધું સાથેનું હતું, તો મેં બુક રેફર કરી હતી કે એથિક્સમાં એ થોડું સારો ફાયદો રહેતો. એક્ઝામ્પલ ખબર રાખવાની, ડેફિનેશન ખબર રાખવાની, બાકી આન્સર તમારો ત્યાં બની જશે. મેં ગુજરાત હિસ્ટ્રીમાં એવું છે ને કે ટોપિક જોઈ અને જોઈ લીધું કે ભાઈ અચ્છા હા આ રીતના આન્સર કરું, બાકી મેં રેફર નહીં કરી ગુજરાત હિસ્ટ્રીનું. એટલે ગુજરાત હિસ્ટ્રીના મેન્સ પર્સપેક્ટિવથી ક્વેશ્ચન નથી આવતા. તમે જોયું ગુજરાત હિસ્ટ્રીમાંથી ક્વેશ્ચન આવ્યો નથી આવતો, નથી આવી જશે તો બી કદાચ એક આવી જશે, મતલબ હજી સુધી આવ્યો નથી, કારણ કે ગુજરાતનું કલ્ચર જે છે ને એના પર ફોકસ વધારે હોય છે. એ ગુજરાતની હિસ્ટ્રીમાં મને એવા કેવું નહીં પૂછશે કે ભાઈ સોલંકી વંશ વિશેનું આ લખો કે આના વિશેનું આ લખો, ઓકે, કલ્ચર પર થોડું વધારે ફોકસ હોય છે, કારણ કે એમના ઇન્ડિયાનું હિસ્ટ્રી કલ્ચર, ગુજરાતનું હિસ્ટ્રી કલ્ચર કરવાનું હોય તો એ ગુજરાતના કલ્ચર અને ગુજરાતની જિયોગ્રાફી પર એમનો થોડો ફોકસ હોય છે કમ્પેર ટુ ગુજરાતની હિસ્ટ્રી. એટલે તમે જે આ 3-4 મેન્સ થઈ એમાં તમને હિસ્ટ્રીનો ક્વેશ્ચન બહુ રેર જોવા મળશે. એટલે કલ્ચર અને જિયોગ્રાફી પર થોડું ફોકસ રાખો. ડેફિનેટલી જીએસઈબી ટેક્સ્ટબુક્સ આર વેરી હેલ્પફુલ. પર્ટિક્યુલર ટોપિક દેખ લો, જેસે ઇન્ડિયન રિવોલ્યુશનરીઝ ટોપિક હે, ઠીક હૈ, મેં લિખતા નહીં, ઠીક હૈ, ઇન્ડિયન રિવોલ્યુશનરીઝ ટોપિક હે. હિસ્ટ્રી મેં સિલેબસ દેખા આપને, હૈ ટોપિક એસા કોઈ ઇન્ડિયન રિવોલ્યુશનરીઝ, ઇન્ડિયન રિવોલ્યુશનરીઝ ઇન ફોરેન કન્ટ્રીઝ, સિલેબસ રેફર કિયા કહાં પે કોન સે મતલબ
हिस्ट्री के को सिलेबस के कौन सी लाइन में? नहीं नहीं सिलेबस यार देखो सिलेबस में पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, ठीक है? सरदार जो लास्ट हिस्ट्री का सिलेबस होता है उसके सेकंड पेज में सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, फिर आता है इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन फॉरेन कंट्रीज। तो जीएसईबी की टेक्स्ट बुक है नाइन्थ क्लास की, नाइन्थ जीएसईबी की, उसमें एक पेज पे पूरा लिखा हुआ है, उतनी डिटेल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, नाइदर इन स्पेक्ट्रम या फिर कोई भी आप एनसीईआरटी पढ़ लो, कहीं पे भी आपको डिटेल नहीं मिलेगी उतनी। नाइन्थ की जीएसईबी की टेक्स्ट बुक है, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया चैप्टर नंबर 4 है, उसमें आपको पूरा एक पेज भर के मिल जाएगा। वो आपने याद कर लिया फिर आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन फॉरेन कंट्रीज। वैसे आप पर्टिकुलर टॉपिक देखो एंड जीएसईबी टेक्स्ट बुक में एक बार पीडीएफ अगर होगी तो आपको पीडीएफ में डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको आंसर मतलब डायरेक्ट लोकेशन दिखा देगा कि यहाँ पे है, तो आपको इतना मतलब पूरी बुक रेफर नहीं करनी पड़ेगी। तो जीएसईबी की टेक्स्ट बुक है 9th-10th की, वो डाउन 8th-9th-10th या 9th-10th की आप डाउनलोड करो, टॉपिक सर्च करो, टॉपिक सर्च करने के बाद आपको वो कहाँ पे मिलता है वो आप एक बार देख लो, ओके? तो डेफिनेटली काम आती है। जैसे अभी ये क्वेश्चन था वल्बी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था, ओके? उसका कहाँ पे आपको मिलेगा वो आप जीएसईबी की टेक्स्ट बुक है 10th क्लास की, 10th हिस्ट्री, ओके? 10th हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया में नालंदा, वल्बी, तक्षशिला, ये पूरा वहाँ पे है। तो वल्बी का आप क्वेश्चन इजीली वहाँ पे आंसर कर सकते थे, ओके? सो टॉपिक देखना है कि टॉपिक आपको गुजरात की टेक्स्ट बुक में मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपको वहाँ से मिलता है तो फिर आप वो पढ़ लो कि वहाँ पे डिटेल क्या है, बाकी कोई अदर सोर्स रेफर करो, ओके? टेक्स्ट बुक तो आपको देखना ही है क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही तो क्वेश्चन बनेंगे, ओके? और ओके ओके हाँ वर्क के साथ मैंने वो तो करना ही पड़ेगा बेटा, अभी ऐसा है कि टाइम जाएगा उसके बाद पैसे भी चाहिए, फिर करना भी है, दोनों अगर चीज मैनेज करनी है तो फिर करना है कुछ तो। मैंने फिर नंबर वो याद कर लेना, ओके? नंबर याद करोगे तो फिर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा आपको कि यार करना है, तो फिर इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? आउट ऑफ 1.68 लाख यहाँ पे 120 अगर होते हैं तो करना पड़ेगा मेहनत, ओके? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स, देन प्रीलिम्स तो आप क्लियर करोगे, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है?